अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। और आपको कहते हैं खुश आमदीद एक नई सुबह के साथ, एक नए दिन के आगाज़ के साथ, और इस दुआ के साथ कि आपका दिन जो है वो अच्छा गुजरे। तो आप देखते हैं कि शहर से बाहर जो है वो बकरा मंडियाँ जो हैं वो लग चुकी हैं, और लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जानवर किसी भी तरह उनकी रेंज में आ जाए, बिकॉज़ आप जानते हैं हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, तो जानवरों की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। लेकिन जिन्हें कुर्बानी का जज्बा है, वो जो शायद पहले दो लेते होंगे वो अब एक जानवर ले लेते होंगे, लेकिन खैर ये सुन्नत इब्राहिमी है, इस पर अमल भी करना ज़रूरी है। तो बारगेनिंग के साथ हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, बारगेनिंग टैक्टिक्स जो हैं वो लोग अपनाते भी हैं। इनफैक्ट डिस्कवर पाकिस्तान पर भी आप देखते हैं, आपको हमारे एंकर्स जो हैं वो लेके जा भी रहे हैं बकरा मंडी, और दिखा भी रहे हैं कि किस तरह बारगेनिंग होती है। लेकिन मुझे हैरानगी इस बात पर होती है कि कुछ स्पेशलाइज लोग भी होते हैं जिन्हें अक्सर लोग ख़रीदारी के वक्त लेकर भी जाते हैं, जिन्हें पता चल जाता है दांतों को देखने से, कानों को देखने से, उसकी फ़िज़िकल अपेयरेंस को देखने से कि आइदर जो जानवर है जो आप ख़रीद रहे हैं वो बेहतर है या बेहतरीन है या किस तरह का है, कितनी प्राइस इसकी होनी चाहिए। सो आजकल जो उन एक्सपर्ट्स की मांग है वो काफ़ी बढ़ गई है। सो मेरा ख्याल है आपकी फ़ैमिली में भी कोई ना कोई ऐसा एक्सपर्ट तो मौजूद होगा ही, जो ज़रूर जाता होगा आपके साथ, और बच्चे स्पेशली खूब इंतज़ार करते हैं। बच्चों का ये होता है कि वो इंतज़ार करते हैं कि जल्दी से जानवर घर आए और उसके बाद जितने भी दिन हैं उसके साथ गुजार सकें। ये मेरा ख्याल है एक ऐसी चीज़ है जो अब तक नहीं बदली है। मतलब वैसे आपके हर कस्टम्स और कल्चर के लिहाज से चीज़ें बदल जाती हैं, जनरेशन गैप आ जाता है, बट ये मुझे लगता है एक ऐसी चीज़ है जो आज भी कॉन्स्टेंट है, बिकॉज आज भी बच्चे जो हैं वो जानवर घर आ जाए तो उसकी एक्साइटमेंट ही बच्चों की और होती है। तो जनाब इंजॉय करें ये फेस्टिविटीज़ और तैयारी करें ईद की, बिकॉज थोड़े ही दिन रह गए हैं। और इसी के साथ आज की अच्छी बात, और आज किसी ने मेरे साथ एक खूबसूरत सी बात शेयर की, वो ये है कि मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। तो जनाब जब भी आप अपना कोई गोल सेट करें या कोई मंजिल तय करने का सोच रहे हैं या कोई गोल अचीव करने का सोच रहे हैं, तो मेक योर सेल्फ अ हम्बल पर्सनैलिटी, हम्बल रहिए, और ये ज़रूर याद रखिए कि रास्ते जो हैं वो आपने ही तलाश करने हैं और इसी ज़मीनी रास्ते से होते हुए तलाश करने हैं, क्योंकि उड़न खटोला आपके पास नहीं आने वाला। तो इसी के साथ जनाब देखते हैं कि आज हमने कौन सी जगह आपके लिए सेलेक्ट की है, बिकॉज वेकेशंस भी हैं और ईद के भी लॉन्ग वेकेशंस आने वाले हैं, आप लोग कहाँ जा सकते हैं फैमिली के साथ। तो चलते हैं, हमारा सेगमेंट है फैमिली वेकेशन, उसकी जानिब। तो जनाब आपको लेकर चलते हैं रोहतास फोर्ट, इसको देखिए फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो जनाब किला रोहतास जिसे कहा जाता है, दीना में जहलम के मुकाम पर ये वाक़े है, और अगर किसी ने शानदार मुस्लिम आर्किटेक्चर और स्पेशली जो जंगजू मुस्लिम मुसलमान थे उनके आर्किटेक्चर पे नज़र दौड़ानी है तो ये रोहतास किले को देख सकते हैं जाकर। शेरशाह सूरी ने 16वीं सदी में इसकी बुनियाद रखी और यूनेस्को की लिस्ट में भी ये शामिल है, जहाँ पर वैल्यूएबल हेरिटेज जो अब तक अपनी आबोताब से मौजूद है उसकी लिस्ट में इसे गिना जाता है। और कहा जा रहा है कि जिसकी कंजर्वेशन है, जो इसे संभालने का प्रोग्राम है जिसके तहत इसको महफूज रखा जा रहा है, वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। तो जनाब जो जहलम के रहने वाले हैं या फिर बाय मोटरवे अगर ट्रैवल आप करने वाले हैं इस्लामाबाद, तो यू कैन जस्ट स्टॉप ओवर इट और ज़रूर देखिए सदीना के मुकाम पर, ये है बहुत ही खूबसूरत जगह है। आपके बच्चों को आप हिस्ट्री से भी आशना करा सकते हैं इसको विज़िट करते हुए। और हम एक ब्रेक की तरफ चलेंगे और ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं।
वेलकम बैक। और अब चलेंगे अपने सेगमेंट मॉर्निंग गेस्ट की जानिब। तो जनाब, मैं आपका तारुफ जिनके साथ कराने वाली हूँ वो एजुकेशनिस्ट हैं, पोइटिस्ट हैं, शायरा हैं, फॉर्मर चेयरपर्सन हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट लाहौर कॉलेज फॉर्मन यूनिवर्सिटी की, विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं। रिसेंटली इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की है इंग्लिश लिटरेचर में, और इनकी बुक है जनाब म्यूजिंग, जो कि फ़र्स्ट कलेक्शन इनकी पोइम्स के हवाले से आई है। बहुत ही एक्लेम्ड बुक है, बहुत ज़्यादा अप्रेजल इस बुक को मिली है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल और नेशनल सेमिनार्स के अंदर और कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ये रिसर्च पेपर्स भी जाके रिप्रेजेंट करती हैं। और इनकी जो पीएचडी डिसर्टेशन थी वो जी पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म पे थी। इसके अलावा हॉर्न बाय समर स्कूल भी इन्होंने ज्वाइन किया और बहुत सारी पब्लिकेशंस पे अब भी काम करी हैं। वेलकम टू द शो मैम, और बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, पहले तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा हम इंग्लिश लैंग्वेज के मीडियम पर ज़रा हम बात करें। दो इस पर बहुत ज़्यादा काम हो भी रहा है, कर भी रहे हैं, बट आपको कमी क्या फील होती है बिकॉज आपने अभी भी पीएचडी की है, और इंडीड यू आर इंस्पिरेशन। सो वो क्या इंस्पिरेशन थी कि आपने सोचा कि पीएचडी भी कर लूँ, और फिर कमी क्या महसूस होती है? एक्चुअली इंग्लिश लिटरेचर में आई डोंट फील कि कोई कमी है। वो लैंग्वेज लर्निंग जो है ना, उसमें बच्चे जो हैं वो लैक करते हैं। और बेसिकली हमारे जो लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज है, वो बच्चों को अगर आप इनिशियल लेवल पे, जैसे लाइक फ्रॉम 3, 4, 5 इयर्स बच्चे लैंग्वेज बहुत क्विकली लर्न करते हैं, लेकिन अगर आप उसे लेट कर देते हैं, क्लास 5 से शुरू करते हैं, फिर आप पुराने ही तरीक़ों से उन्हें पढ़ाते हैं, तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं आती। तो इस वजह से मुझे लगता है कि दिस इज़ व्हाट दे लैक एक्चुअली, कि वो जो कॉम्पिटेंस है लैंग्वेज में वो नहीं है। और जब वो आगे सीनियर क्लासेस में, लाइक ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस में जाते हैं, तो उनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्योंकि नहीं वैसी होती, तो वो अपने कॉन्सेप्ट्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। दैट इज़ द प्रॉब्लम। दूसरी बात ये है कि कई दफ़ा मैं ये सोचती हूँ कि पूरी दुनिया में लोग अपनी लैंग्वेज में जो है वो हायर लेवल की, जैसे साइंसेस हैं, आर्ट्स हैं, लिबरल आर्ट्स हैं, वो अपनी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। हम क्योंकि वीव बीन कॉलोनाइज्ड, और हम एक कॉलोनियल, पोस्ट कॉलोनियल सेटअप आप कह लें, उसमें रह रहे हैं, और अभी तक इंग्लिश मीडियम जो है वो कंसिडर किया जाता है कि दैट्स द वे थ्रू विच वी कैन प्रोग्रेस एंड डेवलप। तो मीडियम ऑफ एजुकेशन भी इंग्लिश हम रखते हैं, लेकिन देर इज़ अ प्रेजुडिस टुवर्ड्स इंग्लिश इवन, और देर इज़ अ यर्निंग कि जी हम इंग्लिश सीखें। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना इंटरेस्ट का और अचीवमेंट का, यही नहीं ख़त्म हो रहा हमारी सोसाइटी में। अगर हमने इंग्लिश पढ़नी है तो व्हाई नॉट इंट्रोड्यूस इट एट द बेसिक लेवल। बिल्कुल सही, ठीक है ना, कि जैसे हम जो कहते हैं ना एक मादरी जुबान सीखना, तो आप अपनी माँ से सीखते हैं। तो अगर आप स्कूल जाते हो और आप जाके नर्सरी में ही आपको डायरेक्ट एक्सपोजर टू एनी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज है, उर्दू है, पंजाबी है, तो आप तब ज़्यादा बेहतर तरीके पे लर्न करेंगे। कि आपको क्लास 5 में 6 में रोट लर्निंग के ज़रिए आपको सिखाया जा रहा है कि दिस इज़ अ कैट एंड दैट इज़ अ डॉग एंड असलम का। अच्छा मैम, लिटरेचर में काम कितना हो रहा है, स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश अदब की बात करें, कितना एक्सपोजर हमारे राइटर्स को यहाँ से मिलता है, कितना काम उनका आप समझती हैं पढ़ा जाता है? बिकॉज आपने खुद अब पोइट्री की एक किताब लिखी है, तो वो कैसा आपको रिस्पांस मिला? मुझे तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। और कोशिश करते रहना चाहिए, जब आप एफर्ट करेंगे, आप लिखेंगे, आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करेंगे, उनको पब्लिश कराएंगे, तो लोग उसकी तरफ इंटरेस्ट भी शो करेंगे।
हम इस चीज़ पे नहीं कर सकते कि जी क्योंकि अंग्रेज़ी तो अंग्रेज़ों की ज़ुबान है तो हम क्यों लिखें या हम नहीं लिख सकते. वी कैन, देर आर सो मैनी गुड राइटर्स. अब जैसे मैंने रिसर्च की है नदीम असलम पे, तो ही इज़ अ डायस्पोरा राइटर एंड ही बिलोंग्स फ्राम गुजरांवाला, लेकिन वो इंग्लैंड में रह रहे हैं. उसने जो कुछ लिखा है उसने अबाउट पाकिस्तान, अबाउट अफगानिस्तान, अबाउट द पाकिस्तानी कम्यूनिटी इन इंग्लैंड. तो पाकिस्तानी राइटर्स भी बहुत कुछ लिख रहे हैं, यहाँ रह के भी लिख रहे हैं. तो जितना आप लिटरेचर प्रोड्यूस करेंगे तो उतनी ज़्यादा सोसाइटी में एक अवेयरनेस भी आएगी. बिल्कुल. यू शुडंट स्टॉप राइटिंग और शुडंट स्टॉप एक्सप्रेसिंग कि जी कौन पढ़ेगा. बहुत सारे लोग तो ट्रांसलेशंस भी पढ़ना चाहते हैं, जिस तरह दाता साहब की कशफुल माजूब है उस पर ट्रांसलेशंस हुई, इकबाल पे हुई, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इसे, बिकॉज अगर नहीं किसी को वो सलीस उर्दू समझ में आ रही तो लोग चाहते हैं कि इंग्लिश में ट्रांसलेशंस, और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं. बिल्कुल. अच्छा, तो मैम ये जो आपने म्यूजिक लिखी है इसका क्या थीम है, किस थीम को लेकर, नेचर पे, किस चीज़ पर आपने ज़्यादा फोकस किया इस पर? म्यूजिक्स एक्चुअली is deep thoughts. You know, when you deliberate and you sit alone and you think about something, and I'm really interested in nature, human nature, people, things around me, and jo ye kitab hai ye actually है ही लाइफ एक्सपीरियंसेस पे, कि जो चीज़ मैंने देखी, जो मैंने अपने इर्द गिर्द होते देखा, नेचर को देखा, और इट्स अबाउट मेमोरीज. यू नो, लाइक वी हैड सच अ ब्यूटिफुल चाइल्डहुड कि अब तो वो कॉन्सेप्ट बच्चों को बताएं तो वो कहते हैं आप स्टोन एज पे रहती थी. तो हमारा जो ज़माना था 60s का, इट वॉज, दे वर ब्यूटिफुल टाइम्स. हर चीज़ जो थी वो एक स्लो आपके इमोशन में थी, लेकिन उसमें चार्म बहुत था और बहुत ज़्यादा ब्यूटी थी. तो मेरी जो मेमोरीज हैं इसमें बहुत ज़्यादा वो कुछ है विच इज़ अबाउट मेमोरीज, about the memories of spring, memories of monsoon, memories of how as a child I used to play in my backyard, memories of interacting with people, memories of school. Main convent gayi to nuns kis tarah bachchon ke sath बिहेव करती थी. देवर लाइक, यू नो, हम तो छोटे होते समझते थे कि ये कोई शायद एंजल्स हैं, तो हम टच करके उनको देखते थे, लेकिन इट वॉज सच अ गुड एटमॉस्फियर. और बहुत चीज़ें जो हैं अबाउट मूनलाइट, अबाउट द सन, अबाउट स्प्रिंग, अबाउट फ्लावर्स, अमलतास, बटरफ्लाई, आप अगर किताब पढ़ती हैं तो इट्स फुल ऑफ म्यूजिंग्स अबाउट नेचर. अब तो बटरफ्लाईज ही नज़र नहीं आते. हाँ, मुझे नजर आए तो मैं भाग ही जाती हूँ कि मैं फोन लेके आऊँ और कैप्चर करूँ. आपको आ जाती है, मुझे तो आज तक ही नहीं नजर आई, मैं तो ढूंढ के. अच्छा, मुझे अक्सर होता है कि कोई बटरफ्लाई गार्डन है लाहौर में, सो आई ऑलवेज वांटेड कि मैं अपनी बेटी को लेके जाऊँ. मैं लेकर भी गई बट वो बंद था, बिकॉज उसने तो कभी नेचुरली देखी ही नहीं ना. मैंने तो शायद अपने बचपन में बहुत देखी. आई एम सो फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स. तो मैं कल ही अपने ड्राइवर को कह रही थी कि हमारी पूरी स्ट्रीट में हमारा घर ही होता है जिसमें सर्दियाँ गर्मियाँ स्प्रिंग फ्लावर्स होते हैं, और बटरफ्लाईज भी आती हैं. अच्छा, आती हैं. आती हैं, बिल्कुल आती हैं. तो आप वाकई कैप्चर करके हमें भी दिखाएं, बिकॉज़ हमें नज़र नहीं आती. बहुत अच्छा. इससे पहले हम मज़ीद बात करें, मैं चाहूँगी आप हमें कुछ खूबसूरत सी कोई पोएम अपनी कलेक्शन में से अगर सुना दें तो. मुझे ये इसलिए बहुत अच्छी लगती है कि इट्स अबाउट, you know, like when you read it, it's about what we women feel and what we women go through. Bilkul. Aur kis tarah hum un sab circumstances mein se rise karte hain. To poem ka naam hai How to Rise. I could never be a pair of ragged claws, for the seas I was aboard on were too turbulent to be silent. Mine had always been a consciousness on frothy seas. Never did I ever forget that the joys of life were intermingled with the grounded, deep-rooted pain of consciousness. Meteorites of remembrance flash across the horizon of my memory, too dense
over long, long years of being submerged in the sea of forced forgetfulness. Flashes of light came when I asked not the world, who am I, but to myself. So lost was I in the deep pool of self-negation. To emerge from the depths of silent seas was not easy. Took eons of making and unmaking, breaking and recreating from broken shards, which always let out blood where they pierced to emerge. So deep were the wounds. Not that I did not have a question to ask. I had too many questions buried under the weight of consciousness. I myself had buried to be at peace with my world, though it hurt too deep to be not to be. So I could no longer scuttle across the floors of silent seas. I had to rise. I had to emerge from a sloth of self, had to ask questions, had to have answers, and to defy not being by being. क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत है. ऐसे लगता है कि फ्लो में वाकई आपने सही कहा. आपके थॉट्स जो हैं वो चल रहे होते हैं. अच्छा मैम, मुझे एक चीज़ बताइएगा, चूंकि आप चेयरपर्सन रही हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट की लाहौर कॉलेज फॉर यूनिवर्सिटी की, टीसॉल को भी पढ़ाती रही हैं, टीचर्स ट्रेनिंग भी करती रही हैं, जो हमारी टीचर्स हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जिनके स्किल्स अपडेट होते रहने चाहिए, आइदर वो इंग्लिश लैंग्वेज के हों या किसकी हों, प्राइमरी के हों, गवर्नमेंट स्कूल्स या कॉलेजेस के हों, कितना आपको लगता है हम जोर देते हैं या बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं? एक्चुअली एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात ये है कि कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं होती और रिक्रूट कर लिया जाता है और टीचर्स को भेज दिया जाता है पढ़ाने के लिए. कुछ नहीं उन्हें पता होता हाउ टू टीच, हाउ टू मैनेज क्लासेस. सौ सौ बच्चा एक एक क्लास में बैठा हुआ है, टीचर समझती है कि बस मैंने बोल देना है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई. अब आई डिड अ कोर्स वहाँ इस्लामाबाद में, 90 में मैंने किया था, टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये UGC और ब्रिटिश काउंसिल. तो इट वाज द पार्टिसिपेंट्स वर फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान. उन्होंने बताया हाउ टू मैनेज लार्ज क्लासेस, हाउ टू टीच इन ग्रुप्स एंड pairs, how to go about, you know, like bringing out the best in a student. हमारे तो इस पर कोई focus है ही नहीं. और दूसरी ये बात है कि unfortunately जब मैंने बहुत ज़्यादा teachers training workshops देखी भी हैं, की भी हैं, और ख़ुद मैंने teachers training workshops किए हैं, लाहौर में किए, एटिसन में, कॉन्वेंट में मैंने 2 हफ्ते की वर्कशॉप 3 consecutive years की. सिवाय जैसे कॉन्वेंट में द टीचर्स वर वेरी यू नो लाइक इंटरैक्टिव एंड दे वर रियली इंटरेस्टेड कि मैं क्या कह रही हूँ. हालांकि उस वर्कशॉप में मेरी अपनी नर्सरी की टीचर भी थी. और लेकिन दूसरे जैसे मैंने फैसलाबाद में ये DPS और ये वाले स्कूल्स में की, तो उन्हें लगता था कि ये एक मुसीबत है जो आ गई है हमें बताने के लिए. एंड यू नो दे वर एक्चुअली वेरी यूज़फुल फॉर देम. लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ये छुट्टियों में क्यों हो रही है. यू पीपल आर नॉट ओपन टू लर्निंग. एग्जैक्टली. तो किस तरह सीखेंगे? अच्छा, आप इस बात से एग्री करेंगी कि जिस तरह आप बता रही हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो जब एक बच्चा हाई स्कूल से कॉलेज की तरफ जाता है, तो एक टीचर या एक लेक्चरर का किरदार सिर्फ कोर्स को आके लेक्चर देने पे नहीं होता. आई स्टिल रिमेंबर देर आर सर्टन टीचर्स, और स्पेसिफिकली ये ज़्यादा उर्दू और इंग्लिश की टीचर्स ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे बहुत ज़्यादा काम करती हैं. इवन मैंने ऐसी भी टीचर से पढ़ा है जो कहती थी आप बैठी किस तरह हुई हैं, सीधी होके बैठे हैं, यूं करके बैठे, हाँ यू नीड टू बी वेरी अटेंटिव, या यूं करके क्यों बैठी हैं. इस इन चीज़ों पर वाकई लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली इंग्लिश टीचर्स काम करती थी जो हमारी सीनियर्स थी या सेकेंड एट की हैं, लाहौर कॉलेज की हैं.
अब नज़र नहीं आता ऐसा काम, टीचर्स फोकस नहीं करती, और फिर आप जानती हैं पब्लिक स्पीकिंग इटसेल्फ इज़ एन आर्ट, आप खुद हेड करती रही हैं डिबेटिंग सोसाइटी को, लड़कियों का बोलना, बिकॉज आगे जाके वही उनके काम आता है अगर प्रोफेशनली जाएं, इस पर आप समझती हैं बिल्कुल कोई टीचर अब ध्यान नहीं देती जो स्पेशली नई लौट के आ रही हैं? फिर आई एम वेरी सॉरी टू से सो कि इवन एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आई हैड टू टेल माय स्टाफ कि बेटा इस तरह नहीं ड्रेस अप होके आना, यू आर अ स्टाफ मेंबर एंड दिस इज हाउ यू शुड कंडक्ट योरसेल्फ, आप क्लास में ऐसे एंटर हो, आपने इस तरह बात करनी है स्टूडेंट्स के साथ. मुझे याद है, यू नो लाइक इट्स समथिंग वेरी पर्सनल दैट आई एम नैरेटिंग, कि मैं सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन गेट ब्रिज, वहाँ आप शायद गई हूँ, तो वहाँ मैं गई हुई थी तो मेरी एक स्टूडेंट आई डोंट इवन रिकग्नाइज, बाकी आई आप में जकिया है ना, तो मैंने कहा कि जी, तो कहती है कि मुझे आज तक आपकी बातें कानों में गूंजती हैं कि आप इतना कुछ हमें बताती थी, हाउ टू सिट, हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, और लाइफ के जो प्रैक्टिकलिटीज़ हैं, तो तब हम सोचते थे कि ये हमें क्या बता रही क्या बता, लेकिन आज मैं आपकी बातें मेरे हस्बैंड को कहती हूँ, हमारी टीचर ने ये बताया था, एंड शी ब्रॉट हर हस्बैंड कि ये मेरी टीचर थी लाहौर कॉलेज में, इनसे मिले. तो ये चीज़ें जो हैं, आज की जो यंगर लॉट है ऑफ टीचर्स, उन्हें तो खुद नहीं पता हमें. इसलिए लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जैसे कॉन्वेंट में पढ़ी तो नंस जो थी वो इतनी पर्टिकुलर थी कि यू शुड नॉट सिट विद योर फीट वाइड ओपन, यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस, यू शुड नॉट लीन अपॉन एन अदर पर्सन, आपने जेबों में हाथ नहीं डालने. अब आप ये बातें कहें तो माइंड करती है नहीं, और अब ऐसी अच्छा, और अब तो ऐसी स्कूल से बातें भी नहीं बताई जाती, बिल्कुल वो स्टैंडर्ड बहुत लो हो चुके, वो लोग नहीं है शायद या फोकस नहीं है, स्पेशली ग्रेजुएट्स को भर्ती कर लिया जाता है विदाउट द ट्रेनिंग जो आप मेंशन ओनली दैट इफ दे कैन स्पीक स्लैंग इंग्लिश, एग्जैक्टली लाइक आई कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन माई स्टूडेंट्स के ये कौन कौन से स्कूल से आई हैं, कि वो उनका जो बियरिंग है, द वे दैट दे टॉक, द वे दैट दे कंडक्ट देमसेल्व्स, वो उससे पता चल जाता है. तो सिर्फ इंग्लिश बोलना ही तो कल्चर नहीं, नहीं है ना, है आपका, ये आपको बताना चाहिए. हाँ, आपको बताना है कि तहजीब क्या है, आपको बताना है कि गुड मैनर्स क्या है, आपको अदब सिखाना है बच्चों को, आपको ये बताना है कि किस तरह ड्रेसअप होने, यू नो लाइक आज जो यंगर जेनरेशन है दे थिंक कि आप व्हाट इज मॉडर्निज्म टू ड्रेसअप, एग्जैक्टली यू नो लाइक एक्सपोजिंग योर बॉडी, या आपने इस तरह का वेस्टर्न ड्रेस पहना हुआ है, तो दैट इज नॉट मॉडर्निज्म एंड दैट्स नॉट आवर कल्चर. यस, दैट इज नॉट आवर कल्चर. इट्स यू नो लाइक मॉडर्निज्म इज मेंटल एनलाइटनमेंट, आप कितने अवेयर हैं, आपको कितना पता है दुनिया का, आपको अपने दीन का कितना पता है, आपको अपने कल्चर का कितना पता है. ये थोड़ा ही है कि आप ड्रेसअप होके तो जीन्स पहन के चले गए और शॉर्ट टॉप पहन के आप बाहर निकल गए तो यू आर मॉडर्न, यू आर नॉट मॉडर्न, इन फैक्ट यू आर सिली, कि आप वो कल्चर लेके बाहर जा रहे हैं जो हमारा कल्चर ही बिल्कुल है. नहीं है, बहुत ही खूबसूरत बात. और हम देखते हैं कि हमारी बहुत सी ऐसी ख्वातीन हैं जिन्होंने मतलब पर्दा भी किया होता है और अच्छे हिजाब में भी होती हैं, दे आर सक्सेसफुल. आप इस तरह हम देखते हैं माशाल्लाह हमारी इतनी फाइटर पायलट्स हैं और नज़र आता है उनकी ट्रेनिंग से कि प्रॉबेबली दे आर वेरी वेल ट्रेन. सो दीज आर द थिंग्स के हम चाहते थे कि मैम ज़किया इधर आके बात करें इस पर, बिकॉज बहुत ज़रूरी होता है कि सब कुछ जिस तरह दो शी इज एन इंग्लिश प्रोफेसर हर्सेल्फ बट हर चीज़ इंग्लिश नहीं होती. अच्छा, एक चीज़ जो आप उन यंग टीचर्स को कहना चाहती हैं जो ऑब्वियसली आपकी स्टूडेंट्स भी रही हैं और अब आगे पढ़ा भी रही हैं, वो क्या एक चीज़ होगी जो आप टिप देना चाहेंगी उन्हें? फॉर्चुनेटली इंग्लिश डिपार्टमेंट में जब मैं रिटायर हुई तो 98% मेरे स्टूडेंट्स थे जो स्टाफ था. तो यू नो लाइक आई वॉज सो लकी. लेकिन मुझे देख के कई दफ़ा ये भी होता था कि जो प्रॉपर ग्रूमिंग है वो बहुत ज़रूरी है, और वो सिर्फ आपका मास्टर्स एमफिल करने से नहीं आती. हाँ, एक तो देर इज़ अ लैक ऑफ ग्रूमिंग जो कि जिस पे बिल्कुल नहीं फोकस किया जा रहा आजकल की एजुकेशन में.
और दूसरा ये है कि जो रीडिंग हैबिट है वो ख़त्म हो गई है. बिल्कुल सही. बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है. वो समझते हैं कि जी आपने गूगल कर लिया तो दैट इज़ योर नॉलेज. दैट इज़ नॉट नॉलेज. कॉलेज क्या कहने आते हैं अगर आपने गूगल से ही देखते हैं. देखिए सीरियस स्टडी जो है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन लाइफ. तो वी डोंट रीड. आर स्टूडेंट्स डोंट रीड. आप यकीन करें कि मैं एमफिल की क्लास पढ़ाने जाती हूँ तो बुक्स किधर है? मैम नहीं है. थोड़ी देर बाद उन्होंने फ़ोन में से टेक्स्ट निकाला और ये जी मैं कहूँगी जस्ट गो आउट ऑफ द क्लास. अगर मैं किताब ला सकती हूँ तो आप क्यों नहीं ला सकते? फोन होने नहीं चाहिए. हाँ. मैं तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली क्लासरूम में तो फोन बाहर छोड़ के बिल्कुल. हाँ. अब वो फोन में टेक्स्ट निकाल लेते हैं. आप मुझे ये बताएं कि जब उनके पास एक चीज़ एक रियलिटी है ही नहीं जो फ़ोन का टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं आप क्या गेन करेंगे उसमें से? They just don't gain anything. मुझे इतना अफसोस होता है इस बात. अच्छा आप बात करिए तो one day I have asked my daughter कि आपका होमवर्क क्या. तो कहती है मुझे नहीं पता आप WhatsApp पे ग्रुप पे पूछ लें क्या होमवर्क है. सो ये it's not a problem. Yes, ये यूथ की टीचर्स का नहीं है. ये बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम है कि शायद उनको लग रहा है कि ये दिस इज़ द ईजी वे और हमें इसी को फॉलो करना है. और जिस तरह मैम कह रही थी कि स्पीकिंग स्किल्स भी आपके बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं बताना चाहती हूँ मेरा मैं इनकी बिल्कुल स्टूडेंट नहीं थी बट चूँकि डिबेटिंग की ये मेरी मेंटोर थी इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश डिबेटिंग उसको ये हेड करती थी. सो मुझे लगता है कि मैं जिस मुकाम पे हूँ अगर इनकी ट्रेनिंग ना होती या उस तरह की पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स ये मुझे ना सिखाती तो शायद मैं ना इस वक्त यहाँ मौजूद होती. तो बड़ा ज़रूरी है बच्चियों के लिए कि वो इस पर फोकस करें स्पेशली टीचर्स के लिए बिकॉज उन्होंने हमारे बच्चों को आगे जाके पढ़ाना है. मैं तो चाहूँगी आप अब तक कंटिन्यू करें ज़रूर पढ़ाएँ. यस आई लव टीचिंग. मेरा तो पैशन है टीचिंग. तो मुझे सारे कहते थे आपने क्या करना है PhD करके. तो क्योंकि काफ़ी देर से आपने PhD की. हाँ, रिटायर होने के बाद. हाँ स्टार्ट मैंने पहले की थी लेकिन जो उसमें भी आई वुडंट से जो हर्डल्स क्रिएट करने वाले लोग हैं उन्होंने पूरी कोशिश की कि ना हो सके. लेकिन उसके बावजूद इट वॉज नॉट फॉर एनी प्रोफेशनल यू कुड से इन्हेंसमेंट इन द सेंस कि मैं तो पहले ग्रेड 20 में आई वॉज अ फुल प्रोफेसर. तो इट वॉजंट कि मैंने कुछ उसके लिए की गेंस के लिए. इट वॉज फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस कि मैं मुझे मेरे अपने अंदर वो चीज़ होगी तो मैं आगे डिसेमिनेट. बिल्कुल इंडीड यू आर इंस्पिरेशन. अगर नासरा जावेद इकबाल साहिबा अभी तक उनकी PhD चल रही है उन्होंने कंप्लीट नहीं की अगर वो कर सकती हैं फिलॉसफी तो आपने उनसे पहले कर ली है. सो बहुत शुक्रिया आपका ज़किया नासिर साहिबा. तो जनाब इनको यहाँ पर मधु करने का मकसद यही था कि हमें एक्चुअली पता हो कि हमारे पास वो एजुकेशनल्स मौजूद हैं अभी भी जिनसे हम सही मायनों में अपनी पर्सनैलिटी को बिकॉज जब हम कहते हैं ना कि हम फला इंस्टीट्यूट में गए और हमें जॉब नहीं मिली हमारा इंटरव्यू उस तरह नहीं हुआ. सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ये टीचर्स ही आपको आपके उसमें सिखाते हैं और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं जिससे आपको पता चलता है कि आप किस तरह एक्सेल कर सकते हैं. तो इनका मैं शुक्रिया अदा करूंगी. एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं. और जनाब अब आपको अपने मेहमानों से मिलवाते हैं. वैसे तो आप जानते हैं कि परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत सारा नया टैलेंट हमारे सामने आ रहा है बट बहुत सारे ऐसे इस्टेब्लिश एक्टर्स भी हैं जो काम भी कर रहे हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे शॉर्ट फिल्म्स भी कर रहे हैं सिखा भी रहे हैं और थिएटर भी कर रहे हैं. मैं आपको इन्हीं दो गेस्ट से अब मिलवाना चाहूँगी. मेरे साथ मौजूद है जनाब सरमद आफ्ताब जजरन साहब. ये एक्टर हैं राइटर हैं कॉमेडियन हैं और लेक्चरर भी हैं यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स को पढ़ाते भी हैं. और 2012 से इन्होंने मुख्तलिफ एक्टिंग डोमेन्स के अंदर काम करना शुरू किया जिसमें थिएटर है फिल्म्स है वेब सीरीज़ है. Z5 की जो सीरीज़ थी चुड़ैल उसमें इन्होंने काम किया. कर्नल फरूख की जो आप बीती थी जो बिछड़ गए जिसमें बाद में JioTV ने ड्रामा बनाया उसके अंदर भी ये अपने अदाकारी की जौहर दिखा चुके हैं. और अब इनकी एक और वेब सीरीज़ आ रही है फाटक के नाम से उस हवाले से भी इनसे हम बात करेंगे. वेलकम टू द शो और बहुत शुक्रिया आपके आने का. और इनके साथ मौजूद है मोहम्मद साद नसीम. ये भी एक्टर हैं राइटर हैं डायरेक्टर हैं फिल्म ग्रेजुएट हैं जनाब NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से और तकरीबन 3 साल से ये काम कर रहे हैं. शॉर्ट फिल्म्स करते हैं कमर्शियल करते हैं और फाटक के अंदर ये भी काम कर रहे हैं. इनकी जो फिल्म्स थी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली और नेशनली
फिल्म फेस्टिवल्स में चलती रही हैं, म्यूज़िक वीडियोस भी डायरेक्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया साद आपका भी आज हमारे इस शो का हिस्सा बनने के लिए। तो सबसे पहले तो मुझे बताइएगा आपके रीसेंट प्रोजेक्ट के हवाले से, फाटक क्या है? फाटक बेसिकली फाटक इट्स अ वेब सीरीज और पाकिस्तान में पिक्चर टीवी के नाम से एक ओ टी टी प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है और उसकी जो पहली ओरिजिनल सीरीज़ है उसका नाम है फाटक। तो मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कि मेरा करियर का पहला लीड किरदार जो है वो मैंने इस वेब सीरीज़ में निभाया। अच्छा। और उसमें एक बड़े मज़ेदार किरदार में साथ भी मेरे साथ नज़र आएंगे आपको। और जो सबसे अच्छी बात है इस चैनल की वो ये है कि हमें इसमें अभी तो सिर्फ एक वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है और बहुत सारी प्रोडक्शन अभी तैयार हैं, तो जो कंटेंट की कमी या डाइवर्सिटी की कमी हमें नज़र आती है वो सारी कहानियाँ आपको इस OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेंगी। वो कहानियाँ जिनसे हम रिलेट कर सकते हैं या हम आमतौर पे कहेंगे ये हमारी कहानी है, ये हमारी बात है, ये हम जैसे दिखने वाले लोग हैं। तो वो जो एक विजन है पिक्चर टीवी का वो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मैं उसका हिस्सा बनाऊँ और ये बहुत अहम हिस्सा बनाऊँ। अच्छा, तो ये फाटक जो वेब सीरीज़ का थीम क्या है, किस थीम के ऊपर है ये? बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब किसी भी शहर के अंदर, नॉट स्पेसिफिकली लाहौर के अंदर, किसी भी शहर के अंदर द बेसिकली द ड्रग कार्टल, इट रिवॉल्व्स अराउंड दैट, इट रिवॉल्व्स अराउंड हाउ द पुलिस रिएक्ट्स टू द ड्रग कार्टल, इट रिवॉल्व्स अराउंड के वो कितनी जिंदगियाँ जुड़ी हैं उस एक चीज़ के पीछे, कितने लोग मजबूरी में वो काम करते हैं, कितने लोगों को बीच में धकेला जाता है, कितने लोगों के साथ उसमें जुर्म होता है और कुछ लोग होते हैं वो ऐसे ही अपनी मर्जी से अपने शौक से करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना चाहते हुए करते हैं। इट्स बेसिकली सर्वाइवल की फाइट है ये, तो जो भी देखेगा वो रिलेट करेगा कि ज़िंदगी में कई चीज़ें ऐसी आती हैं जो आप चाहते नहीं हैं कि आपने वो करनी है, आपने सोचा कुछ और होता है लेकिन वो कुछ और जाता है आपके साथ। तो इसमें जो मेरा किरदार है मानी का, उसकी कहानी बेसिकली यही है कि मानी ना चाहते हुए, जैसे साहब ने बताया कि वह एक कार्टल का हिस्सा बन जाता है, एक ट्रैप का हिस्सा बन जाता है जिसमें वो जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही फंसता चला जाता है। तो इट्स रिवॉल्व्स अराउंड हाउ मानी इज स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव और वो जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही बीच में फंसता चला जाता है। इवेंचुअली जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, इट्स वो वेब सीरीज़ आप देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, आप चूँकि फिल्म एंड टीवी से आपकी खुद भी डिग्री भी है और थिएटर भी आप करते हैं, सबसे ज़्यादा इन्जॉय कौन सा मीडियम करते हैं, थिएटर, टीवी, वेब सीरीज, डायरेक्शन, क्या करते हैं? ये सवाल बड़े मज़े के और उतना ही मज़ेदार इसका एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप थिएटर की बात करें या आप स्क्रीन की बात करें, दोनों मीडियम्स की मतलब अलग इंटीमेसी है। तो मेरे लिए डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि मुझे थिएटर में ज़्यादा मज़ा आता है या स्क्रीन पर ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि डिफरेंट मीडियम्स हैं, दोनों के डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है और एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है। कि अगर मैं एज एन एक्टर बात करूँ तो थिएटर में वो शुरू होता है और फिर ख़त्म हो जाता है, बट स्क्रीन में जब आप प्रोडक्शन में जाते हैं तो वो जो कैरेक्टर आर्क होती है वो आपको उस तरह लीनियर नहीं मिलती। कई बार होता है कि आपको कहानी का सबसे आखिरी हिस्सा आपको पहले शूट करना पड़ता है, फिर जो सबसे पहला हिस्सा होता है वो आपको बाद में शूट करना पड़ता है। तो वो एज एन एक्टर एक्सरसाइज डिफरेंट है, एक्सपीरियंस डिफरेंट है, लेकिन मैं तो दोनों को इन्जॉय करता हूँ। बाकी साथ बेहतर बता सकते हैं कि इनको क्या पसंद है। सेम आंसर, मतलब थिएटर के अंदर एक इंटीमेसी होती है आपकी अपने ऑडियंस के साथ, आपको उसी टाइम पे समझ आ जाती है कि वो आपने जो भी चीज़ किया, आपने कोई भी रिएक्शन किया, आपको उनके रिएक्शन से समझ आ जाती है कि उन्होंने किस तरह से वो चीज़ ली है। फिल्म के अंदर यू एक्चुअली हैव टू वेट फॉर इट, और सारों को पता है थिएटर बेसिकली एक एक्टर्स मीडियम है और फिल्म बेसिकली एक पूरी टीम एफर्ट होती है। तो आई स्पेसिफिकली प्रेफर फिल्म क्योंकि मैं साथ साथ आई डायरेक्ट एज वेल, तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट फिल्म के अंदर है, मगर थिएटर का जो एक्सपीरियंस है वो आई थिंक एवरीबडी शुड एक्सपीरियंस दैट फॉर वंस इन देयर लाइफ, बिकॉज वो एक अलहदा आपको एक इंटीमेसी लेवल मिलता है अपनी ऑडियंस के साथ जो आपको कहीं और नज़र नहीं आता। अच्छा, पाकिस्तान में जो थिएटर है स्पेसिफिकली लाहौर में, या वो किस तरह का थिएटर आपको लगता है कि सीरियस थिएटर फ्लरिश कर रहा है, या फिर आपने आज तक इन प्लेस में परफॉर्म किया है? मैं अगर पर्सनली बात करूँ, जब मैंने थिएटर सीखना शुरू किया था तो जो हमें बेसिकली एक ऑब्स्टिकल सामने आ रहा था वो ये था कि पहले तो कन्विंस करना बहुत मुश्किल था घर वालों को। उसकी वजह ये थी कि थिएटर, जो पढ़ा लिखा थिएटर जिसको हम कह सकते हैं, बहुत कम था और उसके मुकाबले में स्टेट ड्रामा अपने उरूज पे पहुंच चुका था। तो जब भी आप थिएटर का वर्ड यूज़ करते थे तो हर एक के जहन में कॉनोटेशन स्टेट ड्रामे की ही आती थी, और हम चाहते थे, क्योंकि हम डिग्री भी कर रहे थे तो हम एक सीखते भी थे, पढ़ते भी थे, तो वो चीज़ें हम चाहते थे कि हम जो
सिर्फ थ्योरी के तौर पे देख रहे हैं, उसको प्रैक्टिकली कहाँ एक्सपीरियंस करें, तो वो टफ था हमारे लिए। जिसका हल में हमने ये तलाश किया था कि हम खुद ही प्लेस को प्रोड्यूस करें, खुद ही कॉन्टेंट लिखें, खुद ही उसको डायरेक्ट करें, जो चीज़ें हम देखते हैं पढ़ते हैं हम खुद ही एक्सपेरिमेंट करें और फिर वो लोगों को प्रेजेंट करें, जो कि इनिशियली बहुत टफ था। बट इवेंचुअली हमने देखा कि हमने फैमिलीज़ को, अपने फ्रेंड्स को, जो टारगेट ऑडियंस के लिए हमने यूथ को ही चूज़ किया था, तो वो फिर चलते चलते, मतलब वी स्टार्टेड इन 2012 ड्रामा एड के नाम से कंपनी जिसको मैंने ज्वाइन किया था, शाह फहद उसको लीड करते हैं। तो ड्रामा एड के अंडर जितनी भी मेरी मैक्सिमम प्रोडक्शंस जो हैं, मैंने एज एन एक्टर काम किया, एज राइटर काम किया, ड्रामा एड के अंडर ही किया। और हम मोस्टली यही करते थे, हम अडेप्टेशंस करते थे या खुद स्क्रिप्ट लिखते थे, और फैमिलीज और यूथ जो कि हमें अचीवमेंट हमें नज़र आती है हमारी, कि फैमिलीज जो घर से टीवी छोड़ने को तैयार नहीं थे कि हम क्यों जाके कुछ देखें, ऐसा क्या है, तो वी वर वेरी सक्सेसफुल इन दैट, कि लोग आते थे हमारे प्लेस देखते थे, जिसकी वजह से फिर मुझे भी इजाज़त मिली कि हाँ ये काम अच्छा है, किया जा सकता है। अच्छा, जिस तरह सरमद बात कर रहे हैं थिएटर के हवाले से, आप डायरेक्शन भी करते हैं, तो कितना चैलेंजिंग लगता है? बिकॉज एक फिल्म ग्रेजुएट जिसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी ना हो, लोग कितना ज़्यादा जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं डायरेक्शन स्किल्स पर? एक्चुअली लोग ट्रस्ट करने का यही होता है कि आप जो देखते हो आप उस चीज़ को ट्रस्ट करते हो। तो स्टार्टिंग में तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज आप बीइंग अ डायरेक्टर, आप डे वन से आके नहीं कह सकते कि आई एम अ डायरेक्टर, यू हैव टू स्टार्ट बेबी स्टेप्स। तो शुरू में मैंने अपने जिस एन सी एम है, आई वॉज अ स्टूडेंट, तो अपने सीनियर्स के साथ आहिस्ता आहिस्ता काम किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं सीनियर्स के साथ मार्केट में काम करना शुरू किया। तो आप दो काम करते हो, फिर चार काम करते हो, उस तरह आपका नाम बनता है। तो वंस पीपल सी के आप काम कर सकते हो, तब वो जाके ट्रस्ट करते हैं। इस तरह नाम से या इस तरह कह के अगर आप कहो कि यार मैं डायरेक्टर हूँ, कोई भी आपको, मुझे तो एटलीस्ट नहीं कोई भी मानता कि यार इस तरह के आप डायरेक्टर हो। तो इसी तरह से शुरू किया था कि फर्स्ट आई हैड टू स्टार्ट विद स्मॉल प्रोजेक्ट्स, फिर स्मॉल प्रोजेक्ट्स कर करके अब अल्लाह का शुक्र है थोड़े से प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं एक डायरेक्शन के, और वो भी काम के उस पर ही होता है कि वो काम देखते हैं आपका, अगर उनको अच्छा लगे तो वो कर लेते, नहीं अच्छा लगे तो वो नहीं रखते। तो नो हार्ड फीलिंग्स। बहुत ज़्यादा म्यूज़िक वीडियोज़ आप ज़्यादा डायरेक्ट करते हैं? जी, म्यूज़िक वीडियोज़ में ज़्यादा डायरेक्ट करता हूँ, बिकॉज मुझे म्यूज़िक में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। एंड प्लस फिल्म्स के लिए यू एक्चुअली हैव टू हैव अ लॉट ऑफ बजट। अब जिस तरह पिक्चर टीवी है, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म है, उन्होंने एक फिल्म मेकर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया कि यार हम आपको प्रोवाइड करते हैं विद ऑल द इक्विपमेंट, विद ऑल द बजटिंग एंड एवरीथिंग। तो एक चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए ख़ास तौर पर फिल्म के अंदर यू नो कि आपको बजट थोड़ा सा चाहिए होता है। तो स्टूडेंट फिल्म्स करना कर करके बंदा कितना ही कर लेता है, फेस्टिवल्स में भेज देता है या कुछ। तो म्यूज़िक वीडियोस में यू हैव अ मार्जिन कि आप आर्टिस्ट के साथ खुद ही बात कर लो, आप उनको अपना विजन दो, वो आपसे बात करें, एंड यू कम अप विद अ प्रोडक्ट रियली फास्ट। तो वो मुझे एक अच्छी बात लगती है कि आप इस तरह नहीं है कि आप फिल्म बनाओ और फिर आप चार महीने बैठे रहो क्योंकि आपको काम नहीं मिल रहा। म्यूज़िक वीडियोज़ में ये होता है कि आप फ़ौरन से काम कर रहे होते हो, तो आई लाइक टू वर्क, दैट्स व्हाई। सही। अच्छा, आप कॉमेडियन भी हैं, सो कॉमेडी इज़ अ डोमेन जो बड़ा मुश्किल होता है, मजाक से मजाक किसी को हंसाना, और फिर आजकल थोड़ा सा ट्रेंड स्टैंड अप कॉमेडियंस का भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो आते हैं और सेशंस करते हैं इस तरह, आप वो भी करते हैं? हम करते हैं, बल्कि हमारा एक कॉमेडी ट्रूप है पाकिस्तान तहरीक कॉमेडी के नाम से। पाकिस्तान तहरीक कॉमेडी। तो लोगों को लगता है कि शायद हम पीटीआई से इंस्पायर्ड हैं, लेकिन उससे पहले ही हम बना चुके थे कॉमेडी टू। तो बेसिकली इसमें हम क्योंकि स्टूडेंट्स भी थे, अप्रोच वो थी, तो वी आल्सो यूज टू स्टडी थिंग्स। तो कॉमेडी हम पढ़ते भी थे और अपने तौर पे प्रैक्टिस भी करते थे। फिर हादसाती तौर पे हमें एक कॉमेडी शो करना पड़ गया था जिसमें हम सब थिएटर वाले ही दोस्त थे, तो हमने वो शो किया जो कि मैं एज अ प्रैक्टिस करते थे। दैट वो बेसिकली इम्प्रोव कॉमेडी था कि जिसमें आपने फिल बदी करना होता सब कुछ, डिफरेंट गेम्स होती हैं, सजेशंस, कैरेक्टर्स, स्टोरीज, सब कुछ ऑडियंस की तरफ से आता है कि इंटरैक्टिव परफॉर्मेंस होती है। तो वो जब हमने किया तो वो लोगों को बहुत पसंद आया, तो फिर हमने कहा कि ये कॉमेडी के बारे में लेट्स एजुकेट पीपल, तो एक तहरीक शुरू कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंसेस। तो फिर हमने पाकिस्तान तहरीक कॉमेडी स्टार्ट किया था, और हम मुझे याद है अभी भी कि 2.5 साल लगातार हम परफॉर्म करते रहे अल्हम्ब्रा में, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। इट वॉज मतलब टिकट्स के साथ या बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट? इनिशियली फ्री था, हाँ। फिर हमारी भी बस हो गई, तो हमने कहा यार थोड़ा मार्केट के हवाले से भी देखना चाहिए, फिर टिकट्स भी हमने स्टार्ट कर दी थी। फिर उसके बाद हमने रेगुलर परफॉर्मेंसेस तो रोक दी थी, बिकॉज कॉमेडी में भी यू नीड प्रैक्टिस,
यू नीड इंफॉर्मेशन, यू नीड लर्निंग, जो कि आर्ट के हवाले से तो एक अभी भी एक माइंड सेट है कि शायद ये तो पढ़े लिखे लोगों का काम ही नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. और जैसे हमने बताया कि हम इम्प्रॉव कॉमेडी से करते नहीं थे, हम पढ़ते भी थे कि की क्यों जाती है. फिर हम ट्रेन भी करते थे लोगों को, बहुत सारे लोगों ने हमारी टीम में ज्वाइन भी किया नए लोगों ने. तो कॉमेडी मुश्किल काम तो ज़रूर है, लेकिन इफ़ यू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर एंड यू हैव सेंस ऑफ टाइमिंग. तो जैसे मेरी शक्ल से बिल्कुल नहीं लगता कि मैं कॉमेडी कर सकता हूँ, मुझे भी नहीं लगता, बट आई कैन से आई एम गुड एट इट. तो सिर्फ टाइमिंग चाहिए आपको, सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए, और क्राफ्ट पे आपको थोड़ा सा कमांड चाहिए. मिमिक्री भी करते हैं? नहीं, मिमिक्री मैं नहीं करता. हमारे हैं टीममेट हैं अली अहमद खान, वो बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, वो तो मतलब अपनी भी करते हैं. तो मिमिक्री की तरफ मेरा कोई रुझान नहीं है, आई एम मोर इनटू इम्प्रोव कॉमेडी. बिल्कुल सही. आप भी कॉमेडी करते हैं इनके साथ, तहरीक में शामिल हैं? नहीं नहीं, मैं इनके साथ शामिल नहीं हूँ, लेकिन आई वर्क विद हिम ऑन अ कॉमेडी फिल्म. आई वाज द डायरेक्टर, मैंने इनको कास्ट किया था, हमारे मेन लीड थे इन अ फिल्म कॉल्ड सज्जा खब्बा. तो आई लव कॉमेडी, लेकिन कॉमेडी जिस तरह उन्होंने कहा उसके लिए सेंस ऑफ ह्यूमर, नॉलेज और बहुत चीज़ें चाहिए. कॉमेडी इस तरह नहीं होती, लाइक परसेप्शन कॉमेडी के बारे में ये है कि आपने एक जुगत किसी को लगा दिया, दैट इज़ नॉट कॉमेडी. वो ज़्यादातर आप किसी की बेइज्जती कर रहे हो, वो एक दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं. तो कॉमेडी लिखना मेरे हिसाब से ड्रामा लिखने से बहुत ज़्यादा मुश्किल है. अच्छा, आप चूँकि शॉर्ट फिल्म्स भी डायरेक्ट करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे आप रिप्रेजेंट भी करते हैं, कितनी रिकग्निशन आपको समझते हैं कि इंटरनेशनल एरिना पे ज़्यादा मिल जाती है फिल्म फेस्टिवल्स में? पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता. फेस्टिवल्स पे बेसिकली लोग इसीलिए भेजते हैं. मैं लोगों के उस पर नहीं बात करता, मैं अपने उससे बात करता हूँ कि मैं ऑनेस्टली ये सोचता हूँ कि फेस्टिवल्स में इसलिए फिल्म भेजनी चाहिए बिकॉज रिकग्निशन से ज़्यादा आपको एक सर्टिफिकेशन मिल जाती है कि यार ये फिल्म दिस इज़ इज़न्ट जस्ट अ स्टूडेंट फिल्म के जिसको बस आप यूट्यूब पे डाल दो और 100-200 व्यूज़ हो जाएंगे तो बैठ जाओ. इट्स एक्चुअली अ सीरियस प्रोडक्ट. क्योंकि जब वो ठप्पा लग जाता है ना, जिस तरह एक एक्टर को अवार्ड मिल जाए अगर, तो हर कोई उसको सीरियस लेना शुरू हो जाता है कि यार अच्छा हाँ चलो अवार्ड मिल गया उसको, कुछ तो आता होगा. हालांकि ऐसी बात मुझे तो नहीं लगता है. देर आर लॉट ऑफ एक्टर्स जिनको अवार्ड्स नहीं मिले हुए, आई थिंक वो आजकल के एक्टर्स से बहुत बेहतर एक्टर्स भी हैं. तो मुझे बस एग्जैक्टली तो बस वो आपको एक सर्टिफिकेशन मिल जाती है जब आप इंटरनेशनल लेवल पे अपनी फिल्म भेजते हो. तो काफ़ी फेस्टिवल्स पे वो जीत भी जाती है. स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियली भी वो काफ़ी हेल्पफुल होती है अगर आपकी कोई फेस्टिवल पे फिल्म जीतती है. काफ़ी दफ़ा वो देयर इज अ प्राइज, देयर इज अ रिवॉर्ड, तो उससे आप अपनी अगली फिल्म पे उस पर लगा सकते हो. तो यही फ़ायदा होता है और तो कोई नहीं है. अच्छा, आप पढ़ाते भी हैं और एक बेहतर एक्टर बेहतर तरीके से पढ़ा सकता है? नहीं, इसमें फ़र्क है. लाजमी नहीं है कि इफ़ यू आर गुड एट एक्टिंग देन यू माइट बी गुड एट ट्रेनिंग एक्टर्स. दोनों अलग अलग फील्ड्स हैं. तो मैंने सिर्फ जैसे एक्टिंग अगर मैं करता था तो मैं अपने क्राफ्ट को अलग प्रैक्टिस करता था. फिर जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की उसको मैं अलग प्रैक्टिस करता था. मुझे अभी भी याद है कि जिनसे मैं सीखता था मुझे उन्होंने बहुत मज़ेदार से टिप दी थी कि जो तू चाहना है कि तू लोगों को सिखाएं तो पहले बच्चों को सिखा. तो मैंने बच्चों से ही स्टार्ट किया था. हम ये स्कूल्स में एनुअल प्लेस डायरेक्ट किया करते थे तो वहाँ बच्चों के साथ हम प्लेस करते थे उनका. चूँकि ऑब्वियसली वो इतने मेच्योर नहीं होते तो बहुत मुश्किल होता है उन लोगों को उन कॉन्सेप्ट्स पे लेके आना, उन एक्सरसाइजेस पे लेके आना. लेकिन वही यू हैव टू क्रैक द कोड. तो वहाँ से जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे समझ में आया कि ट्रेनिंग एक्टर्स इज अनदर फील्ड. इसका एक्टिंग से ताल्लुक ज़रूर है बट किसी को ट्रेन करना इज़ समथिंग एल्स. क्योंकि मुझे मेरा पास मेरा अपना दिमाग है, मेरी अपनी बॉडी है, आई नो हाउ टू यूज़ इट. बट जब आपने किसी और के साथ काम करना है फिर यू हैव टू अंडरस्टैंड हिम फर्स्ट कि वो कहाँ से आया है, उसकी सोशल कंडीशनिंग कैसी है, वो साइकोलॉजिकली कहाँ पर स्ट्रगल करता है, फिजिकली उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स है. तो उसको फिर वहाँ पर उस पॉइंट पर लेके आना कि वो इतना सेल्फ एम्पावर्ड हो जाए कि अब आप उसको छोड़ दें वो खुद अपनी कैरेक्टर डेवलपमेंट करता रहेगा वट एवर द स्क्रिप्ट ही हैज. अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अब शॉर्ट फिल्म्स और वेब सीरीज़ अगर हम थोड़ा इंटरनेशनल कंटेंट देखें तो उसकी कोई सेट बाउंड्री नहीं है कंटेंट के हवाले से? मतलब आपके पास कल्चरल बाउंड्री नहीं होती, आपके पास डायनामिक्स की बाउंड्री नहीं होती. यू कैन गो एंड प्ले टू एनी एक्सटेंट बट चूँकि रहना पाकिस्तान में है सो वी हैव टू सी आर नॉर्म्स, आर कल्चर, आर सेट पैटर्न्स. सो जब आप बनाते हैं ऐसी शॉर्ट फिल्म या वेब सीरीज़ या काम करते हैं, इस फैक्टर को मद्देनज़र रखते हैं?
देखिए कल्चर और नॉर्म्स वगैरह तो हर इंसान को पता होता है उसके क्या है. हमारे भी कल्चर और नॉर्म्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि वो हमें बाउंड करें या हमें उस तरह करें. मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान के जो सेंसरशिप लॉज हैं वो सबसे ज़्यादा आपको बाउंड करते हैं, क्योंकि कल्चर और नॉर्म्स में हमारा सारा कुछ वो होता है, बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें इजाज़त नहीं है दिखाने की. तो मेरे हिसाब से अ लॉट ऑफ पीपल आर फाइटिंग फॉर दैट एंड फाटक बीइंग वन ऑफ देम एंड एस्पेशली picture.tv दे आर फाइटिंग फॉर द फैक्ट यार वी आर गोइंग टू यू नो ब्रेक अवे फ्रॉम दीज सेंसरशिप लॉज, बिकॉज बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं, बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो नहीं बंदा बता सकता है सिर्फ इस वजह से बिकॉज हमारे जो मुल्क के सेंसरशिप लॉज हैं वो हमें रोकते हैं. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कल्चर और नॉर्म, बिकॉज हमारा कल्चर और नॉर्म इतना ज़्यादा डाइवर्स है और इतनी कहानियाँ उसके अंदर, और वो बहुत सी ऐसी कहानियाँ जो आगे आप TV पे नहीं दिखा सकते बिकॉज बस वो इजाज़त नहीं है आपको. बट द गुड थिंग इज़ कि इसमें कोई बगावत वाला एलिमेंट नहीं है, गुस्से वाला या कथार्सिस वाला एलिमेंट नहीं. जो पिक्चर टीवी पे कंटेंट हमने प्रोड्यूस किया, ये फर्क सिर्फ इतना है कि वो टीवी पे नहीं दिखाया जा रहा. बट अगर आप जब से हमने 25th को हमने स्क्रीनिंग की थी क्यू सिनेमा में, तो वहाँ पर मेरी फैमिली आई हुई थी, बाकी फैमिलीज आई हुई थी, बहुत से लोग आए हुए थे. तो उन्होंने जब पूरी वेब सीरीज़ देखी तो उसके बाद जो हमें रिस्पॉन्स मिला था तो वी वर सेटिस्फाइड कि हमने कुछ ऐसा नहीं डाला कि लोग एतराज़ करें कि ये नहीं दिखाना चाहिए, वो क्यों कह दिया, ये बात क्यों की. बेशक हमने उन चीज़ों के बारे में बात की है जिन पे आमतौर पे बात की नहीं जाती, लेकिन हमने बहुत इंटेलिजेंटली बात की है कि वो जिसके फेवर में है वो भी खुश है, जिसके अगेंस्ट है उसको भी कोई एतराज़ नहीं है. वो बात होती है रिप्रेजेंटेशन की, आप जहाँ पे किसी चीज़ को मिस रिप्रेजेंट करोगे वहाँ पे आपको बैकलैश मिलेगा. जब तक आप रिप्रेजेंट उस कम्युनिटी को, उस कल्चर को सही से कर रहे हो, आई डोंट थिंक किसी को भी मसला होता है इस बात से. और तभी कर पाते हैं व्हेन यू नो कि आपके मैसेज किस माइंडसेट के हैं, उनको चाहिए. अच्छा, चूंकि नाउ यू आर एन ऑफिशियली मेंबर ऑफ दैट तहरीक कॉमेडी, सो अगर आप हमें थोड़ा सा कुछ हिस्से मजाक का कुछ नमूना दिखा दें. ये सबसे मुश्किल काम होता है कि ऐसे या हमें भी कुछ हंसने का मौका फराहम करें ऑडियंस के साथ, सो इट वुड बी डिलाइट टू लिसन. हम एक छोटी सी गेम खेल लेते हैं जो कि मेरी भी बहुत फेवरेट गेम है. उस गेम का नाम है गुड बैड एंड अगली एडवाइस, जिसमें तीन एक्सपर्ट्स होते हैं. अभी एक्सपर्ट्स तो नहीं है, मैं एक साथ को चाहूँगा मेरा साथ दें. तो हम गुड निकाल देते हैं, हम बैड एंड अगली एक्सपर्ट बन जाते हैं. तो आप कोई भी अपना मसला बताइए, साथ का काम यह कि वो आपको एक बैड एडवाइस देंगे. जैसे फॉर एग्जांपल कि आप कहें कि मुझे प्यास नहीं लगती, तो साथ कहेंगे ठीक है प्यास लगना कोई बुरी बात नहीं है, आप आग पिया करें, आप जलता हुआ लोहा पिया करें, इस तरह की बात कर सकते हैं. मैं अगली हूँ तो मैं बैड से भी ऊपर लेवल की एडवाइस दूंगा. तो वो अब लाजमी नहीं कि आपका कोई जेन्युइन मसला, आप कुछ भी बता सकती कि मेरे गिट्टे में गैस है, कुछ इस तरह का मसला भी हो सकता है कि जो मसला होता भी नहीं है. बट बीइंग कॉमेडियंस, बीइंग एक्सपर्ट्स, हमें एडवाइस देनी है एंड साथ देंगे आपको बैड एडवाइस, मैं दूंगा. मेरा मसला है कॉफी के बगैर मेरी सुबह नहीं होती. कॉफी के बगैर इनकी सुबह नहीं होती. जी साहब, अपना दिन रात को शुरू किया करें. प्रॉबली आई थिंक ये बेहतरीन रहेगा कि आप रात को अपना मॉर्निंग शो भी किया करें और रात को आप अपना सारा बेस करें. ये फिर तो आप कह रहे हैं कि ये दिन जो है चांद सूरज को उठा के थोड़ा सा शिफ्ट कर लें. थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया, सही है. उसके लिए नासा वालों से रابطہ करना पड़ेगा आपको कि वो थोड़ी सी जो ऑर्बिट्स हैं उनकी तारीशारें आगे करें. वैसे भी बिजली कम है तो वो झटका झुटका लग के हो सकता है कोई बंदोबस्त हो सके. ठीक है, तो कॉफ़ी के बिना आपने कहा कि आपकी सुबह नहीं होती. ठीक है, तो एक लिक्विड फॉर्म में ही एक चीज़ मिलती है जो कि बाज़ार से थोड़ी सी आपको महंगी मिलेगी, उसको जहर कहते हैं. तो अगर आप जहर का इस्तेमाल करेंगी तो सुबह होगी ही नहीं, अंधेरा ही रहेगा, जड़ से ही निकल गया. तो ना सुबह होगी ना कॉफ़ी होगी, वो तो फिर बड़े मसलों से हल हो जाएगा. आपकी लोड शेडिंग भी, उससे भी निजात मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा. वो यूनिवर्सल कहते हैं उसको टोटका, कि जब आपके पास कोई हल नहीं है तो सुबह निहार मुँह दो कतरा जहर और ख़त्म हर किस्म का कहर. बिल्कुल ही ख़त्म ही मसला ही उन्होंने हल कर दिया. बहुत शुक्रिया आपका सरवत आफ्ताब, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपका भी. तो बड़ी खुशी होती है जनाब उस टैलेंट से मिलकर जो एक्चुअली पढ़े लिखे हमारे नौजवान हैं एंड दे आर एक्टिवली पॉजिटिवली कंट्रीब्यूटिंग इन द परफॉर्मिंग आर्ट्स इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज इवेंचुअली इन्होंने जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करना है और जब कर भी रहे हैं इंटरनेशनली एक्लेम्ड माशाल्लाह दोनों ही काम कर रहे हैं. और अब फाटक इनकी वेब सीरीज़ जो आने वाली है आप ज़रूर देखिए और मैं भी ज़रूर देखूँगी, बिकॉज जो उन्होंने बताया जिस
थीम पे ये बनी है जो कि ड्रग एडिक्शन है, ये वाकई बहुत सीरियस और ग्रेव मसला है. और हम कुछ आदाद व शुमार पाकिस्तान के हवाले से देखते भी रहते हैं कि कितना ज़्यादा यूथ के अंदर, और इसके अंदर कोई क्लास डिसेशन भी नहीं है. इट्स फ्रॉम द मिडिल क्लास, इट्स फ्रॉम द एलीट क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सबके बच्चे जो हैं स्पेसिफिकली यूथ, इस ड्रग एडिक्शन ने इसको जकड़ा हुआ है और ये एक नासूर फ़िलहाल माशरे का बना हुआ है. शायद बच्चे जो हैं वो ये समझते हैं ये एक स्टेटस सिंबल है एंड वी कैन हैव इट, और एक फ़ैशन के तौर पे भी ले लेते हैं. लेकिन अल्लाह ताला बचाए सबकी औलादों को इस मूजी, इसे वबाई कहना चाहिए, कोरोना से ज़्यादा ही ख़तरनाक है, ये आपकी जान ले लेता है, फैमिलीज तबाह हो जाती हैं. बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और ये ज़रूर वेब सीरीज़ जनाब आप देखें, और हम एक ब्रेक लेते हैं और आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं. वेलकम बैक जनाब, और मेरे साथ अब मौजूद हैं ये घर है कि सक्सेसफुल जो है शेफ थी, इसको इसकी रूह रवा जो है आयशा अली भट्ट हमारे साथ मौजूद है. वेलकम टू द शो आयशा. थैंक यू. तो आप जानती हैं ईद आने वाली है और आपका काम जो है वो बढ़ने वाला है. बिल्कुल. बट उससे भी पहले मैं हम चाहूँगी कि आप जानती हैं ईद की फेस्टिविटी लिंक्ड होती है खाने पीने से, और जब गोश्त की बात आती है तो उसको पकाना हर एक, मुझे लगता है हर एक की बस की बात नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं. बिल्कुल. सो कॉमनली जब कुर्बानी का गोश्त आ जाता है, सो बीइंग एन एक्सपर्ट हाउ टू हैंडल दैट कि आप उसे पकाएं और स्मेल का जो सबसे ज़्यादा इशू. मैं यही कह रही थी, बहुत सारे जो इशूज़ आते हैं वो ये होते हैं कि जी ऑब्वियसली कुर्बानी का जानवर हैवी जानवर होता है, तो उसका एक अपना एक अरोमा, मैं उसको स्मेल नहीं कहती, उसका अरोमा एक अपना होता है क्योंकि हैवी मीट होता है. तो बहुत से आता है कि जी इसकी जो है कैसे ख़त्म की जाए, तो मैं सिंपल कहती हूँ उसको नमक लगा के और सिरका लगा के उसको रख दें, और जब सारा गंदा पानी निकल जाएगा और आप उसको अच्छी तरह दो तीन दफ़ा धोएं तो कोई स्मेल उसमें नहीं आती. बहुत से लोग हैं जो कि बिल्कुल कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते, वो सारे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और वो फिर वो गोश्त खाते जो हमें रेगुलर मिलता है जो कि छोटे बकरे का होता है. सो जब और मेरे पास अगर कोई गोश्त आता है तो मैं उनको यही कहती हूँ, जैसे मैं आपको पहले बताई थी कि प्लीज़ साफ़ करके छिछड़े उतार के नीट एंड क्लीन तरीके से भेजा करें, विच इज़ वेरी इजी टू कुक. अच्छा, ये वैसे कुछ लोग कहते हैं अब होता है ना कुर्बानी का गोश्त बन रहा है तो फिर ख़वातीन पे प्रेशर होता है कि उसी टाइम इसको बना लें और अब दोपहर में खाना भी खा रहे हैं, इसके लिए प्रेशर कुकर का भी वो इस्तेमाल कर लेती हैं. बिल्कुल, प्रेशर कुकर करना पड़ता है, बिकॉज एक तो ये होता है कि बहुत लोगों को जैसे क्ले, सबसे ज़्यादा जो जल्दी जो होती है वो कलेजी की होती है. जैसे कुर्बानी हुई तो कलेजी आई तो कलेजी भून के खाए, उसके लिए आपको प्रेशर कुकर की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन ये मीट जैसे कि हैवी होता है और आपको जल्दी खाएं तब आप प्रेशर कुकर करें, लेकिन अगर इसको स्लो कुक करें तो इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा होता है. तो वो स्लो कुक तो स्लो कुक होता होगा. बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्योंकि रान एक नॉर्मल रान नहीं होती, जो 2.5 किलो की रान होती है 2 किलो की, ये आती है 4-4 किलो की, मतलब हैवी बकरे की बात 5-5 किलो की रान आती है. तो रान आप कोई बड़े बड़े देच के रखे होते हैं, बेक कर लेती है क्या? बिल्कुल, देच के रखे होते हैं, उसमें स्टीम होती है, मतलब रानों को फिर बेक नहीं करते, बेक से क्या होता है थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, तो उसको प्रॉपरली स्टीमर, बड़े बड़े मेरे पास स्टीमर्स हैं तो उसको हम लोगों ने लगा लगा के रखा होता है कि मतलब ऊपर ओवरलैप नहीं करते लेकिन एक एक उसमें करते, तो टाइम हमें पता होता है कि इस टाइम पे ये करना है, इसको 80% हो गए निकाल लो क्योंकि बाकी 20% हमें उसको फ्राई में करेंगे. सो ये चीज़ों का थोड़ा सा ज़रा ताकि जूसी भी रहे, ड्राई ना हो, जितना भी ना पक जाए कि बिल्कुल आप मुँह में डालें तो रबड़ की तरह इधर का उधर होता रहे. सो ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं. अच्छा, कौन कौन सी डिशेज बन सकती हैं गोश्त पे ईद पे जो आप समझती हैं बहुत ज़्यादा इन है या बननी चाहिए? मतलब हर घर में पुलाव, कोरमा, कढ़ाई, बारबेक्यू, ये तो होता ही है, रान रोस्ट होती है, ये कॉमन चीज़ें हैं, इसे हट के मैं नहीं ख्याल किसी का कोई मेन्यू होता है. तो मैं तो जब अपनी घर में जब दावत वगैरह होती है तो मैंने साथ दाल चावल रखी होती है. या कई लोग नहीं खाते? नहीं, मतलब इतना गोश्त मैंने देख लेती हूँ उस दिन, और वैसे भी मेरे घर में गोश्त हम लोग रखते ही नहीं हैं. हम लोग कोशिश यही होती कि सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दें, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत नहीं शौक़ से खाते गोश्त कुर्बानी का, मेरे हस्बैंड भी नहीं इतने शौक से खाते, लेकिन ये बात नहीं, सुन्नत के तौर पे थोड़ा सा रख लेते, बाकी सारा हम लोग दे देते. लेकिन साइड पे ना, जैसे कश्मीरी मजबूर हैं दाल चावल के लिए तो मैं साइड पे दाल चावल रखी होती, लेकिन बहुत सारे जो ऑर्डर्स आते हैं वो यही होता है, मटन कोरमा, मटन कढ़ाई, मटन कुन्ना,
मटन निहारी, क्योंकि अब सबके घर में मटन और बीफ होता है, मटन निहारी, मटन कुन्ना, यही चीज़ें चलती हैं। अच्छा, तो कैसे मैनेज करती है, किस बाहर के ऑर्डर्स भी देखने हैं, फिर अपने घर के भी बनाने हैं, फिर आपके घर के मेहमानों ने भी आना है, जी बिल्कुल, उन्होंने भी खाना है। मैंने अपने घर में जो मेरी गेट टुगेदर जो होती है वो ईद के तीसरे दिन होती है, क्योंकि ईद के चौथे दिन मेरी छुट्टी शुरू हो जाती है। सो फॉर मी इट इज़ रिलैक्सिंग डे कि मैं आराम से अगर केटर भी कर रही हूँ तो सुबह मुझे पता है कि मुझे कुछ किसी को ऑर्डर नहीं देना, मैंने आराम से उठूंगी, आराम से किचन साफ़ होगा, आराम से ड्राइंग रूम वगैरह साफ़ होगा। सो मेरे घर में ईद का जो खाना था वो ईद के तीसरे दिन होता है। और जहाँ तक केटरिंग का ताल्लुक है, वो हम जैसे 8th और 9th को हम लोग उसकी प्रेप करना शुरू कर देते हैं, सब्ज़ी आ रही है, ऑर्डर्स लाइंड अप होने हैं, अच्छा ये इतने बजे जाना है, चावल होने हैं, नट्स आने हैं, जर्दे के नट्स वगैरह आने, सो ये चीज़ें हम लोग पहले लाइंड अप करके रखते हैं, मंडी से सामान ले कर आने हैं। सो अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग हम देखते हैं ना, शाम होती है तो वो राने लेकर पहुंच जाते हैं, रोस्ट कराने के लिए पहुंच जाते हैं। अच्छा, अब कोई लोग नहीं अफोर्ड कर सकते तो उनके लिए कोई स्पेशल आप टिप्स देना चाहेंगी कि जो खवातीन घर पे करना चाहते हैं? बिल्कुल, बताए रान रोस्ट करना कोई ऐसा काम नहीं, आपने बस उसको पतीले में चढ़ा देना है, ठीक है। बाकी जहाँ तक मसाले की बात आती है, ऑनेस्टली मैं जैसे मुझे कोई कहता ना, क्या मैं कहती हूँ खाना नमक मिर्च हल्दी, इसको भी आप मैरिनेट करके लगा दोगे ना, आपकी चीज़ अच्छी बन जाती है। देर इज़ नो नीड टू पुट फैंसी स्टफ, दही के अंदर नमक मिर्च थोड़ा सा हल्दी ये डाल दें, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दें, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें। अगर आप सिंपल जो नहीं भी अफोर्ड कर सकते लैविश मसाले, जायफल, जलवतरी, फलाना फलाना, इलायची पाउडर, ये उनके लिए कुछ भी नहीं करने की जरूरत, इसी को लगाएँ, साथ थोड़ा सा चाट मसाला डाल दें, दही डाल दें और आप उसको मैरिनेट करके उसको रख दें, स्टीम पर रख दें और बाद में उसको फ्राई करें। कितने घंटे के लिए मैरिनेट होना ज़रूरी है? आई पर्सनली बिलीव जितना मैरिनेट हो सके, ओवरनाइट से ज़रूर, ओवरनाइट, क्योंकि ये मीट काफ़ी हैवी होता है तो इसके अंदर तक आपको मसाला कट्स लगा के उसके अंदर तक अच्छी तरह यू हैव टू मसाज, जैसे हम कहते ना हमारे पैरों का मसाज करो तो कंधे का मसाज करो, द मीट ऑल्सो नीड्स अ गुड मसाज ताकि उसके अंदर हर पोर के अंदर मसाला चला जाए। सो ओवरनाइट इज रिकमेंडेड, दो दिन अगर हो जाए तो वेल एंड गुड, वो तो मसाला बिल्कुल अच्छी तरह उसके अंदर जज्ब हो जाता है। बड़ा मुश्किल होता है वैसे कुर्बानी के ऊपर सारा कुछ ऑल उस तरह मैनेज करना। कई लोग ऊंट की भी कुर्बानी करते हैं, उसका गोश्त कहते हैं बहुत तमकीन और बड़ा खूबसूरत होता है। मेरे ऊपर ऊंट के गोश्त का पूरा एक पीस आया, खैर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको क्या करूँ, मैंने दे दिया फिर, और वो मेरे जो थे हेल्पर्स वो बड़े खुश होकर, मैं कहा पुत्र पूरा तो पूरा मेरे ख्याल से कोई 2.5-3 किलो का वो पूरा का एक पीस आया था, वो इतना खूबसूरत था। और जब मैंने अपने बच्चों से कहा कि ऊंट का, उन्होंने कहा मामा प्लीज़ इसको ना बनाना, मामा नहीं हमने, सो कॉन्सेप्ट बहुत कम है ऊंट के गोश्त का, लेकिन जिन्होंने बनाया था उन्होंने कहा बाजी ऐसे टिक्के भी बनाए, ऐसे थोड़ा सा सालन भी बनाया, सो लेकिन वो खूबसूरत बहुत गोश्त होता है। अच्छा, ये कोई स्टेक्स भी बन सकते हैं? अक्सर हम स्टेक्स बाहर खाने जाते हैं। बिल्कुल, तो उसके लिए कैसे गोश्त की कटिंग होनी चाहिए जो स्पेशली आप खवातीन को गाइड करें? सबसे अच्छा जो टेंडर मीट होता है वो टेंडर लॉइन होता है, जिसको हम अंडर कट कहते हैं, जिसको मेरे ख्याल से जो बुचर्स है उसको बत्ती भी बोलते हैं, हर एक का अलग अलग नाम होता है। सो जो टेंडरलॉइन है अंडर कट, दैट इज़ द बेस्ट, वो तो मेरा ख्याल से जितना पूरे उसमें बड़े गोश्त में जितना ये टेंडर गोश्त होता है शायद कोई हो। ये तो आप अगर स्टर फ्राई भी करें ना, नमक काली मिर्च लगा के पीसेस करें और स्टर फ्राई करें, वो आपको होते हैं। एक कॉन्सेप्ट स्टेक का ये है कि हम लोग कहते हैं ओह ये खून निकल रहा है, वो खून नहीं होता, उसके अपने जूसेस होते हैं। जब हम इसको, और अक्सर लोग कहते हैं जी बहुत ड्राई हो गया, रबड़ी हो गया, बिकॉज हम लोग उसको ओवर कुक करके भुना गोश्त बनाना चाहते हैं। स्टेक इससे नहीं बनता। इफ़ यू वॉन्ट अ नाइस एंड जूसी स्टेक, इट हैज़ टू बी मीडियम और मीडियम रेयर, और उसको अगर आप जितना पकाएंगे वो अंदर से ग्रे हो जाएगा, दैट इज़ नॉट अ स्टेक। सो जब कोई बड़ा जानवर का कर रहा है तो उसके अंदर टेंडरलॉइन, उसके अंदर टी बोन स्टेक्स निकलती हैं, वो स्टेक के लिए बहुत यूज़ होती हैं, और बाकी तो और बहुत सारी है, लेकिन वही बात है ना कि किस तरह आप लोगों ने करना है या किस तरह, लेकिन अगर इजी कुक के लिए तो टेंडरलॉइन। अच्छा, तो आप वैसे अपना गोश्त खुद बनवाती हैं बैठ के? हाँ जी गोश्त ये होता है कि सुबह जो बेसिकली अच्छी चीज़ ये होती है कि सुबह कुर्बानी करके अगर चला जाए और जानवर को लटका दे तो सारा जो उसका वो खून होता है वो निकल जाता है। और फिर अब तो पहले तो इतनी समझ नहीं थी ना कि अच्छा ये इस तरह ना, अब तो मुझे होता है नहीं
एवी बनाओ नहीं ओवी बनाओ नहीं ऐसा ना करो नहीं उस तरह ना करो सो करना पड़ता है बिकॉज ये वाकई में बड़ा तंग करते हैं उसके बाद फिर उसके पाए बनवाना भी एक काम उसके पाए बनवाना भुनाई करना और अक्सर जो क्लाइंट है वो भुने हुए पाए भी नहीं भेजते वो ऐसे बाल लगे पाए भेज देते हैं मैं अब जाके पहले तो मैं भुनवाना और टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं यू नीड टाइम फॉर ऑल दीज थिंग्स और एफर्ट होता है तो वो एफर्टलेस काम क्लाइंट करता है तो अब मैं भी एफर्टलेस करना शुरू क्योंकि मैं उसे एज इट इज़ रैप करके ना डिलीवरी उनको वापस भेज देती हूँ कि प्लीज़ नहीं करेंगे नहीं इस तरह बहुत मुश्किल होता है बिकॉज मेरे पास जो प्री ऑर्डर्स होते हैं मैंने उनको भी केटर करना है सो अगर मेरे लड़के सारा सारा दिन जाके तीन तो लड़के हैं हम लोग घर में जो मेरे साथ एक बर्तन धोने वाला दो हेल्पर तीसरी मैं खुद हूँ अगर एक को मैंने भेज दिया तो मेरा काम किस तरह चल रहा है सो मैं कहती हूँ कि प्लीज़ ये सारी चीज़ें करवा के नीट एंड क्लीन सुकलिंग के अंदर रैप करें और मुझे भेजा करें तो पाए बनाना भी एक लेकिन वो पाए बनते बहुत अच्छे वो क्योंकि बड़ा होता है जानवर तो बहुत अच्छा अच्छा अब ये भी ज़रा बता देना बिकॉज यू आर कुकिंग एक्सपर्ट कितने कुछ लोग तो पता नहीं साल साल गोश्त फ्रीज करके रख लेते हैं आप गोश्त फ्रीज मेरे पास आते आपको पता मैं आपको क्या बताऊँ मैं अच्छा नहीं लगता कहते तीन तीन महीने के बाद भी जी रान भेजेंगे मैं कहती हूँ आपको पता चल जाता है कुर्बानी पता चल जाता है वो खुद बताते हैं कि जी कुर्बानी की रान है और रान मतलब नॉर्मल बकरे की नहीं होती पता चल जाता है कि मैं कहती हूँ तीन महीने तक आपने संभाला हुआ है और जिस तरह की आजकल लाइट वगैरह जा रही है जिस तरह की इलेक्ट्रिसिटी का हाल है नो नीड टू फ्रीज अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हम लोग खा अफोर्ड कर लेते हैं तो इट्स बेटर कि जो एक दिन है आप उस रान को भी पीसेस करा के लोगों में तकसीम कर दें वैसे भी आप रान लेके खा लेते हैं हाँ घर के लिए ज़रूर रखें मैं ये नहीं कहती कि तीन तीन महीने ना रखें मेरे तो घर अगर माली जैसे है ना मैं कहूँगी पुत्र अगर दो दिन तक तो नहीं आएंगे ना ऐ मैं दे देना तेरा हिस्से का गोश्त क्योंकि घर में मैं नहीं रखती मैं कहती हूँ जितना जल्दी हो सके आप सबके घरों में चला जाए और खा लें सब लोग तीन महीने से ज़्यादा गोश्त नहीं तीन महीने मैं तो कहती हूँ ये वाला गोश्त तो महीना यार बस बहुत हो गया क्योंकि बहुत हेवी होते हैं ना वो नॉर्मल आप नहीं खा सकते सो प्लीज़ सबको ये कहूँगी कि एक महीने तक ओके बट दो दो तीन तीन महीने नहीं और उससे अच्छा, भी मसाले कुछ लोग जिस तरह रोश बनता है वैसे बिल्कुल मसाले नहीं होते और आपको पता है वो नाइट कुक करता है लोग उसे भी बड़ा मज़े से खाते हैं मसालों से कह देते हैं लोग और तेजाबियत हो जाती है एक तो कुर्बानी का गोश्त होता है देखिए मसालों से तेजाबियत हम मसालों को ब्लेम ना करें हम इंसान ख़ुद भी ब्लेम करें हम मॉडरेट तरीके से खाएँ तो तेजाबियत नहीं होगी अब इफ़ वी नो दैट वी हैव टू गो हम लोगों ने जाना है दोपहर को कहीं खाने पर जाना है तो उसका ये मतलब नहीं सुबह भी हम पूरी हलवा खाएँ दोपहर को भी जाके हम खाना खाएँ और फिर रात को भी खाने पर जाएं तो तेजाबियत तो होनी है ये गोश्त को ब्लेम ना करें मसालों को ब्लेम ना करें अपनी आदतों को ब्लेम करें सो मॉडरेट तरीके से अगर खाएं सो आपकी फैमिली इट्सेल्फ बड़ा फूड पे आप लोग जोर देते हैं मदली बाटते हैं आप हैं आपके हस्बैंड हैं सो एक्चुअली व्हाट्स द स्पेशलिटी डिश ऑफ योर फैमिली ऑन ईद अब ईद पे जैसे अच्छा मज़े का पुलाव होगा मुझे पक्का पता है क्योंकि अभी हमने मेन्यू डिसाइड नहीं किया अभी मैंने आज सोचा था व्हाट्सअप ग्रुप पर लिखूँगी कि मेन्यू व्हाट्स द मेन्यू तो यहाँ तो पुलाव होता है और साथ ये लोग गोश्त का बहुत कम ऐसा कहते हैं इनको होता है देसी मुर्गी का शोरबा हो सो यहाँ तो मछलियों का आलू गोश्त हो जाएगा पुलाव हो जाएगा या कुन्ना हो जाएगा वी फोकस ऑन वन डिश क्योंकि सारी मुर्गन गजाएं इतनी पड़ी होंगी तो वो खाया नहीं जाता तो अगर कुन्ना होगा तो इट्स गोइंग टू बी सिर्फ कुन्ना एंड सम दाल चावल सैलेड और इफ इट्स गोइंग टू बी पुलाव और आलू गोश्त तो साथ उसके कोई रान रोस्ट हो जाएगी ये तीन चीज़ें होंगी ऑन द टेबल तो आपके पास आपकी स्पेशलिटी डिश कौन सी जो लोग बहुत ऑर्डर करते हैं ईद पे ईद पे तो अभी जो बहुत ज़्यादा जो जा रहे हैं वो रानें जा रही हैं और वो क्लाइंट नहीं भेज रहे वो हम लोग खुद जो पहले की रान होती है रान बहुत ज़्यादा जा रही है प्लेटर्स बहुत ज़्यादा जा रहे हैं बिरयानी बहुत ज़्यादा जा रही है चिकन बिरयानी ज़्यादा क्योंकि सबके घर में गोश्त होगा वो बाद में मुझे भेजेंगे गोश्त के बना के दें लेकिन मटन की कढ़ाई बहुत ज़्यादा जा रही है मटन कढ़ाई चिकन कढ़ाई पालक गोश्त दो तीन किस्म का जो पुलाव होता है वो जा रहा है जर्दा जा रहा है चरगा रोस्ट जा रहा है मिक्स मटन प्लेटर्स जा रहे हैं सो इस तरह की चीज़ें जा रही हैं सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है बट ये आपके टाइम भी आपका कंज्यूम करता है एनर्जी भी करता है बट कोई बात नहीं ये घर का है सो वी कैन अवेल दैट सर्विसेज बट ऑन टाइम और गोश्त साफ रखें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बहुत शुक्रिया आपका सो वेरी मच बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बिकॉज ईद की तैयारी हो और एक्सपर्ट एडवाइस ना हो ये तो हो नहीं सकता और हमने तो पहले भी इन्हें बताया था ये तो वंडर वुमन है सब कुछ कर लेती हैं घर भी करती हैं मैनेज उसके बाद अपना बिजनेस भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रही हैं सक्सेसफुली कर रही हैं तो मकसद यही था कि थोड़ी सी कुछ आपको ऐसी
ऐसी टिप्स मिल जाएँ जिससे आपके लिए हेल्पफुल हो, बिकॉज में खवातीन बेचारी यूट्यूब में फंस जाती हैं, कोई अपनी रेसिपी बता रहा होता है, कोई अपनी बता रहा होता है। एक और चीज़ कह रहे हैं कि मैंने सारी चीज़ें सीखी, मुझे ऊपर से नहीं, मैं सीखी आई विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड ऑब्वियसली मैंने भी गूगल की है। सो मैं हमेशा हर को कहती हूँ जो यूट्यूब पे आप देखें, इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ, आप एक किस्म का स्कूल कह सकते हो, जो कि आपके फ्री में स्कूलिंग है आपकी, रादर देन गोइंग एंड स्पेंडिंग लाइक हज़ारों लाखों खर्च करें। यूट्यूब पे हमेशा गो फॉर 5 रेसिपीज़, एक तरह की 5 रेसिपीज़ देखें। आपको जो जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपको सिमिलैरिटीज़ होती हैं, और जो चीज़ आपको यूनिक लगती है और आपको टेस्ट का फ्लेवर का पता है, इट्स ऑल अबाउट योर पैलेट, इट्स ऑल अबाउट योर पैलेट। आपको कईयों को नहीं, हरा धनिया भी नहीं पसंद, सोचेंगे कि मेरे पास क्लाइंट की कॉल आती है प्लीज़ हरा धनिया नहीं डालो, मुझे हरा धनिया नहीं पसंद, सो मैं अब उनको ना तो नहीं कर सकते, इट्स ऑल अबाउट योर पैलेट। सो इफ यू सर्चिंग अ रेसिपी ऑन यूट्यूब, इट्स बेटर टू सर्च 5 रेसिपीज, जो सिमिलैरिटीज हो, जो 5th वाली जो है ना वो फिर आप देखें लास्ट, और 6th आपकी यू कैन से दैट इट्स माई ओन रेसिपी। बिल्कुल सही, बिल्कुल जनाब, एक्सपर्ट एडवाइस आपको हमने रख दी। सो उम्मीद करते हैं आप अच्छा अपने ईद के ऊपर अपने गेस्ट को इंटरटेन और अपनी फैमिली मेम्बर्स को कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आयशा, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। तो नाज़रीन एक ब्रेक हम लेते हैं और आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, और अब चलेंगे अपने सेगमेंट बैटल ऑफ ब्रांड्स की जानिब। तो जनाब जो पहला ब्रांड हम आपको बताने वाले हैं वो है अल करम स्टूडियो, और यहाँ पर मिड सीजन सेल है अप टू 50% ऑफ इन स्टोर्स एंड ऑनलाइन। और दूसरा ब्रांड है ओरिएंट, यहाँ पर भी समर सेल है अप टू 25% ऑफ। दोनों ऑप्शंस को आप अवेल कर सकते हैं, बिकॉज ईद भी है, फेस्टिविटी भी आने वाली है, सो मेनी पीपल वॉन्ट्स टू शॉप, तो ज़रूर इन दोनों ऑप्शन को अवेल कीजिए। और हम चलेंगे अपने सेगमेंट हेल्थ एंड फिटनेस की जानिब। तो जनाब मेरे साथ मौजूद हैं आज आना वेदा गौहर साहिबा, ये साइकोलॉजिस्ट हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं, ट्रेनर हैं, और प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर ये रही हैं, और बहुत ही अनडिफीटेड चैम्पियन रही हैं इस्लामाबाद से। इसके अलावा सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल ये बहुत सारी पाकिस्तानी गेम्स में जीत चुकी हैं। बेसिकली शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, और गोल अचीवमेंट, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ये काम करती हैं। शी हैज़ एक्सपर्टीज इन डीलिंग विद द पीपल जो चाइल्डहुड ट्रामा से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़, एग्जाइटी, डिप्रेशन, और वैसे भी ये वो मामलात हैं जो अक्सर आजकल के दौर में बहुत सारे लोगों को रहते हैं, लेकिन शायद एक हिचकिचाहट होती है, थोड़ी सी हेजिटेशन होती है कि किसी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट इन मामलात पे नहीं किया जाता। इसी सिलसिले से आना से बात करेंगे। वेलकम टू द शो आना। तो पहले तो मुझे बताइएगा, स्पोर्ट्स कितना आपके स्ट्रेस को रिलीव करती है, बिकॉज आप खुद एक स्पोर्ट्स मैन रही हैं। जी जी, बहुत इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है स्पोर्ट्स का फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के साथ। हम यूजली स्पोर्ट्स को फिज़िकल हेल्थ के डोमेन में देख पाते हैं, व्यू कर पाते हैं कि इसके वेट लॉस से रिलेटेड बेनिफिट्स हैं, एनर्जी से रिलेटेड बेनिफिट्स हैं, बट इट एक्चुअली गोज मच फर्दर देन दैट। स्पोर्ट्स आपको, या फिज़िकल एक्टिविटी की अगर हम बात करें, ये ना कि सिर्फ आपको बेहतर दिखने में हेल्प करता है, मगर ये आपके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को इम्प्रूव करता है। मिसाल के तौर पे शुगर रेगुलेशन, मेटाबॉलिज्म, इन सारी चीज़ों को देखता है। इसके अलावा ये आपके मूड को बहुत इफ़ेक्ट करता है, आपकी मोटिवेशन को अफेक्ट करता है, आपकी कॉन्फिडेंस को, आपके अटेंशन स्पैन को, आपकी स्लीप को, जो कि और फिर बाकी डिफरेंट चीज़ों से लिंक्ड होता है। तो फिज़िकल एक्टिविटी हमारी डेली लाइफ में आजकल बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, हम एक जगह बैठ के काम करते हैं, ज़्यादातर लैपटॉप या फ़ोन से हमारी डिजिटल दुनिया में एंगेजमेंट होती है, तो जो फिज़िकल एक्टिविटी का कंपोनेंट है वो कम हो जाता है। जब वो कम हो जाता है और बॉडी की नीड होती है और वो पूरी नहीं हो पाती, उसके रिज़ल्ट में हमें बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स क्या देखने को मिलती हैं, हेडेक्स, मूड इशूज़, इरिटेबिलिटी, स्लीप का पुअर होना, और ये सारी चीज़ें फिज़िकल कंप्लेंट्स में ट्रांसलेट करती हैं, एज़ वेल एज़ आपको इमोशनली बहुत डाउन करती हैं। आपको प्रोकेस्टिनेशन में बहुत कॉमन एक मैनिफेस्टेशन नज़र आएगी, आपको
टिक के किसी चीज़ को पूरा करने में प्रॉब्लम होएगी, आपको कमिट करके रेजीम या डिसिप्लिन इम्प्लीमेंट करने में वो होएगी। तो इस सारी चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर हम फिज़िकल एग्जर्शन किसी भी फॉर्म में, अपना हर इंसान अपने हिसाब से, बेशक 5 मिनट से आप स्टार्ट करें, बट मिनिमम करें, ताकि ना कि ये सिर्फ आपके फिज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव करे, बट मेंटल हेल्थ, जिसमें आपके हाउ डू यू फील, आप सुबह उठती हैं आप कैसा महसूस करती हैं, आपके इमोशनल रिस्पॉन्सेज टूवर्ड्स योर सेल्फ एंड लोग, काम पे जाती हैं, घर पे, बच्चों के साथ, शोहर के साथ, माँ बाप के साथ, कोलीग्स के साथ, टेम्परमेंट आपका कैसा है, आप इसमें वाज़ फ़र्क महसूस करते हैं, आपको एनर्जी लेवल्स में महसूस होता है। बाज़ औक़ात हम देखते हैं लोग सोते भी हैं, दे आर हैविंग प्रॉपर स्लीप, थकावट नहीं जाती, या इमोशनल फटीग होती है। इमोशनल फटीग का कॉन्सेप्ट है जो हम नहीं समझ पाते कि ये मैं थका थका फील करता हूँ, बॉडी में शायद फिर भी जान हो मगर इमोशनली आप डाउन होते हैं, और उसका ताल्लुक आपकी इमोशनल फटीग से होता है। तो एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो यू नो डज इवन कॉस्ट यू मच, जिम में ना भी जाएं, घर पे भी आप कर सकते हैं, बट एक आप ऐसे कह सकते हैं शॉर्टकट है टू फीलिंग बेटर। अच्छा, ये जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है, और स्पेशली जो चाइल्डहुड ट्रामाज होते हैं जिन्हें होते हैं, वो निकल कैसे सकते हैं उनसे बाहर? तो पहली तो चीज़ ये है कि सबको होते हैं, कुछ लोग अवेयर होते हैं चाइल्डहुड ट्रामा से और कुछ लोग अवेयर नहीं होते। ट्रामा को हम 2-3 डेफिनेशन से देखेंगे ताकि आम पब्लिक के लिए समझना आसान हो। ट्रामा पहली डेफिनेशन के हिसाब से ऐसी चीज़ है जो इंसान के अंदर महसूस होती है, ना कि बाहर। हम समझते हैं कि बहुत बिग लेवल पे इंटेंस सानहा कोई होगा तो हम उसको ट्रामा कहेंगे, जबकि बाहर बहुत मामूली सी एक चीज़ हो सकती है, छोटे बच्चे का टॉय घूम सकता है, मगर वो उसके अंदर की दुनिया में कितनी डिस्टर्बेंस लाता है। ट्रॉमेटिक मेजरमेंट उस चेंज से हम वैल्यू करते हैं या मेजर करते हैं। दूसरी चीज़ ट्रॉमा की जो डेफिनेशन होती है वो ये है कि ये आपका सेंस ऑफ सेफ्टी हिला देती है। तो अब एक बच्चे के लिए तहफ़ुज़ महसूस करना या महफूज फील करना किसी भी चीज़ से हिल सकता है। गाड़ी का एक्सीडेंट देख लिया, किसी को मारपीटते देख ली, उस पर किसी ने चीखा, उसको किसी ने ह्यूमिलिएट किया, और ये आम जिंदगी में बहुत सारे ऐसे टाइम होते हैं, टीचर ने डांट दिया, दैट कुड बी ट्रॉमेटिक। हम उसको 10 बच्चों के लिए नहीं होगा, एक के लिए हो सकता है। तो ट्रॉमा डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ में आ सकता है और उसकी डिफरेंट डिग्रीज होती हैं। अब आपका सवाल ये कि इनसे निकला कैसे जा सकता है। पहली बात तो ये कि हम उनको पहचान सकें, हमारा ट्रॉमा किस डोमेन में फॉल करता है, किस एज में हमें फील हुआ। दूसरा, उसके लिए डेफिनेटली आप अपने ओन पे अवेयरनेस हासिल कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प मटेरियल अवेलेबल होता है, बट इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू वर्क विद अ प्रोफेशनल। एक थेरेपिस्ट के पास जाएं, प्रोफेशनल हेल्प लें। हमें खांसी भी अगर 3 दिन से ज़्यादा लगे तो हम डॉक्टर को जाकर दिखाते हैं कि अरे मुझे तंग कर रही है, जान लेवा बीमारी नहीं है, सीरियस नहीं है, बट क्योंकि उसका डिस्ट्रेस लेवल इतना है, न्यूसेंस वैल्यू इतनी है कि आप उसको चाहेंगे ख़त्म हो। तो अगर हम फिज़िकल हेल्थ पे इतना ज़्यादा एफर्ट करने को तैयार होते हैं, मेंटल हेल्थ हमारी फिज़िकल हेल्थ से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे भी, क्योंकि वो फिज़िकल हेल्थ को गवर्न करती है। स्टीवन हॉकिंग्स का आपने नाम सुना होगा, वो बहुत बड़े नाम रहे हैं साइंस की दुनिया में। वो फिज़िकली डिसेबल्ड थे बट मेंटली एबल थे, तो ज़िंदगी गुजार सकते थे। इसी तरह एक बंदा मेंटली एबल ना हो, जिंदगी में फिज़िकल हेल्थ बिल्कुल ठीक हो, तो अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। इसीलिए ज़रूरी है कि जब हम, क्योंकि हम सब के लिए साइकोलॉजी की फील्ड या काउंसलिंग की फील्ड बनी ही हमारी आसानी के लिए है, तो इट्स ऑलमोस्ट नॉट सो वाइज कि अगर आपके पास एक ऑप्शन हो आप उसको एक्सेस ना करें। तो वर्किंग विद द प्रोफेशनल इज़ द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट, क्योंकि ये बहुत डीप टाइम टेकिंग काम होता है और सेंसिटिव है, इसीलिए आपको ज़रूरत होती है कि एक इंसान हो जो इस चीज़ में ट्रेंड हो, वो आपकी मदद कर सके। ठीक है। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन प्रोफेशनल हेल्प नहीं ले सकती, कुछ फैमिली टैबूज़ होते हैं, सोशल टैबूज़ होते हैं, या नहीं उन्हें इतनी एसेस होती। सो इफ़ दे आर फीलिंग कि उन्हें एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, या फिर हालात कुछ ऐसे हैं, सो वो क्विक तरीका क्या हो सकता है टू डी स्ट्रेस योर सेल्फ?
डी-स्ट्रेस करने के लिए फिजिकल सिम्टम्स की अगर आप बात करें, जैसे जब हमें स्ट्रेस होता है बाज़ औक़ात हमें स्वेटी पाम्स महसूस होंगे, हेडेक्स फील हो सकते हैं, फिजिकल सिम्टम्स फील हो सकते हैं, तो उसके लिए तो हमारे पास रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, माइंडफुलनेस टेक्निक्स हैं जो हमें आम यूट्यूब पे मिल सकती हैं। इंटरनेट हमारे पास बहुत खूबसूरत एक टूल है जो आज की दुनिया में सबको अवेलेबल है, सबके पास स्मार्टफोन्स होते हैं, तो हमारे पास अब वो एक्सक्यूज़ नहीं रही कि हम एक्सेस नहीं कर सकते इन्फॉर्मेशन को। बट ऑन अनदर लेवल क्विक फिक्सेस, ट्रॉमा, ये दोनों साथ नहीं जाते। हम इंसान कोशिश करते हैं, या शायद हमारे अंदर नेचुरल भी एक इंक्लिनेशन होती है शॉर्टकट्स की, जल्दी जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएं। बट ज़रूरी ये है कि हमारे लिए हम इस बात को समझ सकें कि एक चीज़ जो पिछले 20, 30, 15, 40 साल से हमारे साथ चल रही है वो बड़ी हुई है। जिस तरह हम बड़े हुए हैं वो चीज़ भी बड़ी हुई है। कैंसर भी इंसान के जिस्म में बड़ा होता है, उसको एक रात में निकालना, एक हफ्ते में निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस तक पहुंचने के लिए ही आपके अपनी ज़ात में बहुत बैरियर्स होंगे। सवाल ये है कि अगर उनको थेरेपी अवेलेबल नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकती, टैबू है, एक्सेसिबल नहीं है, तो वो उस चीज़ को समझने के लिए सेल्फ हेल्प मटेरियल में इंगेज करें, वो उस चीज़ को जानने के लिए ऑथर्स को पढ़ें, ट्रॉमा पे रिसर्च करें, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बेतहाशा लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। ऑब्वियसली इट वॉन्ट प्रॉबली कंपेयर टू थेरेपी, बट आपको एटलीस्ट फंक्शनल लेवल पे मदद कर सकते हैं। तो अवेयरनेस और साइको एजुकेशन एक लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं कि अपने आप को सिखाना, इंफॉर्मेशन में डेल्व करना, किताबें बहुत सारी अवेलेबल हैं, किताबें भी किसी के पास अगर पढ़ने की सहूलत नहीं है तो यूट्यूब और इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको, आप एक अगर लफ्ज़ लिखते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा, डीलिंग विद चाइल्डहुड ट्रॉमा, अंडरस्टैंडिंग चाइल्डहुड ट्रॉमा, इफेक्ट्स ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा, कोचेस डीलिंग विद चाइल्डहुड ट्रॉमा, आपको बेतहाशा मटीरियल अवेलेबल है। तो अच्छा, एक बच्चा किस तरह से अपने सिम्टम्स शो कर सकता है ट्रॉमा के, कि ही इज एक्चुअली सफरिंग, किस एज के अगर हम हवाले से बात करें? 6 साल से ऑनवर्ड्स बच्चे को अगर फॉर एग्जांपल ले लें, 7 साल से ऊपर के बच्चे ले लें जो इतना रेडिली नहीं बता सकते कि एक्चुअली व्हाट्स गोइंग ऑन। जी, बच्चों के अंदर आपको यूजली ट्रॉमेटाइजेशन नज़र आएगी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में। तो अगर आप माँ कहती है कि पहले ये बच्चा एक ये चीज़ फॉलो करता था, अब नहीं करता, मिसाल के तौर पर इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता, एक्सेसिव क्राइंग है, एंगर आउटबर्स्ट्स हैं, इमोशनल मेल्टडाउन्स हैं, सोशल इंगेजमेंट से बच्चा नहीं चाहता कि वो लोगों में जाए या कतराता है, लोगों से डरना शुरू हो गया, ऐसी चीज़ जो सडन है और उसकी सिवियरिटी बढ़ती जा रही है, स्लीप में प्रॉब्लम्स है, इवन बेड वेटिंग, ये आपके सारे सिग्नेचर्स हैं या इंडिकेटर्स हैं कि देयर सम इमोशनल प्रॉब्लम दैट नीड्स अटेंशन। यानी इन मामलों को देख के आप अंदाजा कर सकते हैं कि देयर इज सम प्रॉब्लम। अच्छा, आप एलिसिटिक अप्रोच यूज करती हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स और क्लाइंट्स की रिस्पेक्ट, ये है क्या बेसिकली? और इक्लेक्टिक अप्रोच होती है जिसमें डिफरेंट साइकोलॉजी के डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उसमें से CBT है, साइकोडायनामिक है, बिहेवियरल है, गेस्टॉल्ट है। हर स्कूल ऑफ थॉट का अपना एक एडवांटेज होता है, अपनी एक फिलॉसफी होती है, और उसी तरह का अपना डिसएडवांटेज होता है। इक्लेक्टिक अप्रोच में जब आप डिफरेंट अप्रोचेस को कंबाइन करते हैं और क्लाइंट के हिसाब से उन सबको टेलर करते हैं, ट्रीटमेंट टेलर करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं कुछ प्रिंसिपल CBT से उठा रही हूँ तो उनकी भी कुछ लिमिटेशन है। अगर मैं प्योर CBT प्रैक्टिस करूं तो मेरे पास लिमिटेशन जाएंगे, मगर अगर मैं CBT को साइकोडायनामिक स्कूल ऑफ थॉट के साथ कंबाइन कर रही हूं तो मुझे दोनों का बेस्ट मिल रहा है। और ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर क्लाइंट एक फ्रेमवर्क को उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करता। आपको समझना पड़ता है कि किस चीज़ किस इंसान के लिए उसकी प्रॉब्लम को, उसकी पर्सनैलिटी को देखते हुए ज़्यादा मुफीद होगी। कुछ लोग रैशनैलिटी को बहुत रिस्पॉन्ड करते हैं, उनके लिए रिसर्च, उनके लिए कॉग्निटिव डायरेक्शन ज़्यादा बेहतर अपील करते हैं उनको। कुछ लोग जज्बाती चीज़ को ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं, उनके लिए इमोशनल फोकस ज़्यादा बेहतर करता है। तो बीइंग अ थेरेपिस्ट, आपका गोल ये होता है कि क्लाइंट आपके साथ मैक्सिमम कम्फर्ट और हीलिंग आपसे ले सके। उस हीलिंग को प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी आप उसकी ज़बान समझ सको। उसकी ज़बान, इमोशनल लैंग्वेज डिफरेंट होगी शायद पहले क्लाइंट से, तो उसको समझने के लिए बेहतर है कि आप डिलीवर कर सकते। जैसे एक शेफ़ अगर अपने किसी इंसान को खाना देने को, उसके पैलेट को समझेगा पहले,
अगर आप शोज़ में देखें कि वो देखते हैं अच्छा जी गॉर्डन रैमजी है फलाना है, उनको किस किस्म की चीज़ यूजुअली अपील करती है, तो वो तो एक टेस्ट प्रेफरेंस आ गया। यहाँ पे हम बात करते हैं कि इंसान की लैंग्वेज क्या है, क्योंकि जब तक वो चीज़ उसकी लैंग्वेज में नहीं आएगी उसको समझ नहीं आएगी, जब समझ नहीं आएगी तो हीलिंग नहीं हो सकती। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका अनावरदा, बेशक बहुत ही यूज़फुल टिप्स इन्होंने शेयर की। सो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे कोई ऐसे बिहेवियर इश्यूज शो कर रहे हैं, सो पहले तो कोशिश करें कि किसी प्रोफेशनल को कंसल्ट करें, बट अगर नहीं कर पा रहे तो आप जिस तरह अना ने बताया कि आप इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, सर्च इंजन्स के थ्रू मालूमात हासिल कर सकते हैं, एटलीस्ट पढ़ सकते हैं, आपको ये तो पता चल जाएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है आपके साथ या आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ। तो बड़ा ज़रूरी है जब आप अपनी मेंटल हेल्थ पे मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना है, इस पर जोर देना, बिकॉज अगर आप मेंटली अच्छे होंगे ठीक होंगे तो सोच भी आपकी पॉजिटिव ही होगी और आप ज़िंदगी भी अच्छी गुजार सकते हैं। इसी के साथ ही आप अपना फीडबैक देने के लिए हमसे रابطہ कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू और इंस्टा के थ्रू, और हमसे कनेक्टेड रहिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपसे फिर से मुलाकात होगी कल एक नई सुबह एक नए दिन के साथ और नए मेहमानों के साथ। ऑफ़ कोर्स मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।